मतलब अगर आप 60 साल की उम्र के हो और आपके टू सीटर की कोई स्पोर्ट्स कार है, क्या मतलब 20s में आपके पास टू सीटर की स्पोर्ट्स कार है, दैट्स व्हेन द फन बिगिंस। ऐसे मैंने कॉइन्स बाय किए, दैट टू ऑन लाइव स्ट्रीम, और मैं लोगों को बोल रहा था कि आप भी खरीदो, ट्रस्ट मी। एंड मैंने $20 $15 के ऐसे कुछ कॉइन्स बाय किए, $1 $2 के, जो कुछ कॉइन मुझे 10x दे गए, कुछ कॉइन मुझे 30x दे गए, कुछ कॉइन मुझे 50x दे गए। एंड दैट इज वेयर एवरीथिंग चेंज। फैमिली बहुत वेल टू डू थे, बट देन क्राइसिस, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आया, बैंकरप्टसी आई, और फिर उससे थोड़ा थोड़ा हील हो रहे थे। देन आई स्टार्टेड उसी फेज में, यू नो, आई गॉट मोर फोकस्ड, एंड फिर मेरे को वो उससे मैंने ब्रेकआउट लाया। तो यू नो द बेस्ट पार्ट इज कि आफ्टर 10 years, उसको 10 साल हो गए, नाउ आई एम कम्प्लीटिंग दैट बिल्डिंग। एंड वो मेरे डैड का ऐसे ड्रीम था कि वो यू नो जो हमने शुरू किया था हमारा वेंचर, वो एटलीस्ट वो खत्म है। तो आपकी कोई स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है तो आप हमें बताओ। तुम्हें कि आप 100 रुपए कमा रहे हो, रेडी, ऑल सॉर्ट, ऑडियो गुड, चलो ठीक है। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं अभय पाटिल, ही इज फाउंडर ऑफ ट्रेडर्स पैराडाइज। इनकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है एंड उनने काफी यंग एज में स्टार्ट कर दिया है। तो हमारे जैसे कुछ जो यंग एंथुजियास्ट लोग हैं जिनको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना है, इनसे बेहतर कौन सिखा सकता है जिनने अपनी जर्नी इतनी जल्दी स्टार्ट की है। तो आइए इनकी कुछ स्ट्रैटेजीज जानते हैं, इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं और इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। हेलो अभय सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मुझे इस पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ ये मेरी जर्नी और जो स्विंग ट्रेडिंग की जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, और बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। काफी मजेदार ये पॉडकास्ट होने वाला है, तो मेक श्योर करना आप पूरा इसे एंड तक देखो। सो अभय सर, पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये मतलब मार्केट में इंटरेस्ट कहाँ से है और जर्नी मतलब शुरुआत कहाँ से हुई कि यार ये चीज देखी तो मेरे को लगा कि यार अभी इसमें तो मार्केट में आना पड़ेगा। सो इसका स्टार्ट कैसे हुआ मैं बताता हूँ। देखो, बचपन से मैं काफी एम्बिशियस था, काफी एम्बिशियस। जब मैं स्कूल में था ना, तो मैं और मेरे जो फ्रेंड्स थे, बैक बेंचर जो दोस्त थे, मेरा वन ऑफ द फेलो ट्रेडर विराज, तो हम लास्ट बेंच पे बैठते थे एंड वी यूज टू डिस्कस रैंडम थिंग्स कि बताए ये जो दुकान है इसकी दिन की इतनी कॉफ़ी बिकती होगी, अगर इसके इतना इसका इतना रेंट है, महीने का इतना प्रॉफिट बन रहा है, ये पार्किंग वाला देख रहा है ये 5-5 रुपए ले रहा है, अगर इस पूरे इतने गाड़ियाँ अगर यहाँ पे जमा हो रही, तो हम ऐसे यू नो ब्रेनस्टॉर्म करते थे अपन क्या कर सकते हैं जिसमें पैसे नहीं लगेंगे और अपन ऐसे यू नो बहुत अच्छा रेवेन्यू बना सके इस एज में। तो ऐसे बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्म होता था, आइडियाज आते थे। तो यू नो एक मैंने वहाँ पे एक चीज़ डिस्कवर की, लाइक मैंने क्या किया, व्हेन आई वाज 15 आई स्टार्टेड दैट, जब मेरी 10th ऑलमोस्ट हो गई थी, सो लाइक 16 में एंटर कर रहा था मैं, सो हॉलीडेज थे एंड आई थॉट कि ये 3-4 महीने ऐसा मैं क्या करूँ, बिकॉज अगेन एज अ सेड आई वॉज एम्बिशियस और मेरे को कुछ ना कुछ करना था, शुरू करना था। तो मैंने ना तब मेरे को ये कंसेप्ट पता नहीं इसको क्या बोलते, ड्रॉप शिपिंग बोलते क्या बोलते, बट उस टाइम कैसा था कि अब लोग जो प्रोडक्ट्स है, अगर आप देखोगे इंटरनेट पे, तब इंस्टाग्राम बहुत बूम कर रहा था 2016-17, एंड वहाँ पे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट्स जो आते थे वो काफ़ी बिकते थे और मुझे भी इंटरेस्ट आता था, यार मुझे ये टी शर्ट पसंद है, ये मोबाइल का कवर पसंद है, मुझे यू नो ये एक्सेसरी पसंद है, मुझे ये लेना है वो लेना है, बिकॉज ये ऐसी चीज़ें थी जो आपको मे बी अमेजोन मिंत्रा फ्लिपकार्ट पे मिलता नहीं होगा, ये इंस्टाग्राम पे क्योंकि थोड़ा कस्टमाइज और थोड़ा डिफरेंट यूनिक मिलता था उस टाइम, जो बहुत ट्रेंड था। तो मैंने क्या सोचा, मैं काम करता हूँ, मैं मैसेज करता हूँ जो पेजेस है और उनको बोलता हूँ कि मैं आपका प्रोडक्ट आगे बेचूंगा मेरे कस्टमर्स को, आप मुझे एक रीसेलर का डिस्काउंट दे देना, मतलब जो आपका प्रोडक्ट रीसेल करे ना कि कस्टमर है। तो उसने क्या किया, जो मे बी वो प्रोडक्ट 500 को उसके पेज पे लिस्ट कर रहा था, वो मुझे वो 350-400 इस प्राइस में मुझे दे रहा था। तो मैं क्या कर रहा था, उसे अगेन 500 पे मेरा खुद का इंस्टाग्राम पेज बनाया और उसे 500 में मैं सेल करता था एंड 100 में प्रॉफिट बनाता था। सो देन मैं क्या किया, इस गेम को समझता गया, देन यू नो मैं और कॉन्टैक्ट्स डीपर निकालता गया, होलसेल कॉन्टैक्ट्स निकालता गया, फिर मैंने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया, मैंने प्रोडक्ट्स चेंज किए, मैंने और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया, बट देन यू नो मैंने इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी कोलैब किया एंड इट एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी वेल। लेकिन फिर क्या हुआ, जब मैं पढ़ने आया कॉलेज में एंड देन व्हेन आई वाज सेइंग कि मेरा एक क्लासमेट मर्सिडीज में आ रहा है, दूसरा बीएमडब्ल्यू में आ रहा है, तीसरा ऑडी में आ रहा है एंड एक बंदे के पास 6-6 कार है, हर मंडे को अलग, ट्यूसडे को अलग, वेनसडे को अलग, ऐसा आ रहा है। तो मैंने सोचा यार ये जो मैं 300-400 रुपये का एक यू नो प्रोडक्ट बेच कर मैं कमा रहा हूँ,
इससे तो मेरी ये गाड़ी नहीं आएगी, इससे तो मेरे प्राइवेट जेट नहीं आएगा, इससे तो यू नो मतलब वो बोलते ना कि उतने बड़े जो गोल से वो हिट नहीं होंगे। लेकिन इससे क्या हुआ, इस बिजनेस के एक्सपीरियंस से मुझे क्या हुआ, लोगों से कैसे डील करना है, हाउ मनी वर्क्स, बैंक अकाउंट में कैसे पैसे ऐड करने हैं, विड्रॉ करने, यू नो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना उसका एक आइडिया है। लेकिन उस टाइम मैं देख रहा था कि फॉरेक्स का काफ़ी फेमस था उस टाइम कंसेप्ट, लाइक फॉरेक्स इन्फ्लुएंसर जो है ना वो अपनी लाइफस्टाइल दिखाते थे, लैम्बोज ले रहे हैं या बैग भर के कैश है और ये सब चीज़ें। तो आई वॉज लाइक, तब मुझे एक कंसेप्ट समझा ट्रेडिंग का, बट फॉरेक्स मेरे लिए काफ़ी डॉलर्स और ये काफ़ी उस टाइम के लिए न्यू कंसेप्ट था और यू नो डिफिकल्ट कंसेप्ट था मेरे लिए। तो मैंने क्या किया, इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा समझा, एंड देन आई थॉट यार ये कितना परफेक्ट चीज़ है, मेरे को यहाँ पे किसी लोगों को मैनेज नहीं करना, मुझे किसी से डील नहीं करना। अब जैसे बिजनेस में होता है, इसने पेमेंट अटका दिया, इसने क्रेडिट पे पैसे लिए, यू नो क्रेडिट पे सामान लिया नहीं दे रहा है, कहीं यू नो शिपमेंट कहीं फंस गई, लॉट्स ऑफ इश्यूज। बट ये ऐसी चीज है, आप बैठो दुनिया में कहीं पे भी, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, एंड यू नो इट्स यू वर्सेस यू, आप अकेले, आपका यू नो लैपटॉप, आप कहीं भी कर सकते हो। इसमें एक्चुअल फाइनेंशियल फ्रीडम वाले मुझे चीजें दिख रही थी, बिकॉज फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, आपके पास टाइम भी हो पैसे भी हो। बाकी सारे ट्रेडिशनल बिजनेस देखो, आपके पास पैसे बट टाइम नहीं है, आप कहीं जोग्राफिकल लोकेशन चेंज नहीं कर सकते, बट ये ऐसा फील्ड था जिसमें आप चेंज कर सकते हो। तो वहां से इंटरेस्ट स्पाइक हुआ, एंड देन यू नो स्ट्रगलिंग, जैसे इनिशियल ईयर स्ट्रगल करते हैं, अकाउंट खाली होता है, कॉलेज स्टूडेंट था, पॉकेट मनी थी, वो जो पैसे होते हैं वो सेव करना, मंथली आते हैं उसमें सेव करना, फिर उसको उड़ा देना, फिर ऐसे करते करते एक इक्विटी में यू नो एक अच्छा कैश मार्केट जो स्टॉक्स है उसमें काफ़ी अच्छा एज आने लगा, स्विंग ट्रेड्स काफ़ी अच्छे जाने लगे, इन्वेस्टमेंट्स अच्छे जाने लगी, क्योंकि उस टाइम जस्ट 2021-22 मतलब एंटर हो रहा था, बुल रन चालू हो गया था, सब अच्छा जा रहा था। सो आई थॉट कि चलो मैं ऑप्शंस में एंटर करता हूँ, एंड बिकॉज उस टाइम यू नो एक ऐसा फेज था, एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड, ऑप्शन अब ले रहे हो, मार्केट बहुत अच्छा रैली कर रहा है, 2021-22 काफ़ी एक ऑप्शन बायर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा मार्केट था। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, एक 2020 में एक रूल आया था कि ऑप्शन सेलिंग में लेवरेज जो है वो निकल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, जो 2020 में लेवरेज निकल जाएगा ये रूल आया, मतलब ये इसको एवरी सिक्स मंथ्स, एवरी थ्री मंथ्स जो लेवरेज है कम होते होते वो जीरो हो जाएगा। सो उस टाइम क्या होता था, ऑप्शन सेलिंग 15,000 में हुआ करती थी, राइट? तो ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग सिमिलर थी, तो सम डेज यू कैन डू ऑप्शन बाइंग, जैसे आपको कुछ प्रीमियम्स लो है स्पाइक हो सकते हैं, यू आर डूइंग बाइंग, बाकी दिन मार्केट साइडवेज है, यू आर डूइंग ऑप्शन सेलिंग, हेजिंग कर रहे हो। बट देन क्या होने लगा, जैसे ही ये बढ़ने लगा, ऑप्शन सेलिंग का एक लॉट आपको 1.5 लाख रुपए का सेल करने को हो रहा था, और एवरी थ्री मंथ्स के साथ 15,000 से पहले 30,000, 45,000, 60,000 ऐसे स्टेप्स में जा रहा था। तो अब मेरे पास सबसे यू नो डिफिकल्ट एक ट्रेडर के लिए होता है कैपिटल इकट्ठा करना। तो मैंने क्या किया, मेरे को कॉलेज की फीस देनी थी, तो मैं क्या होता था, एवरी थ्री मंथ्स उसका इंस्टॉलमेंट पे, एवरी मतलब जो सेमेस्टर होता है सेमेस्टर वाइज उसके इंस्टॉलमेंट देने थे। तो क्या हो रहा था कि मैं एवरी टाइम एवरी थ्री फोर मंथ्स मेरे डैड को कॉल कर रहा था, फीस देनी है फीस देनी है, तो वो परेशान हो गए, काम में होते थे। उन्होंने क्या बोला, मैं एक बार के ही डाल देता हूँ, अगले 2-3 साल का कॉलेज का जो भी है वो सब निपटा लेना। तो मैंने बोला ठीक है, तो उन्होंने वो कॉलेज की फीस डाल दी मेरे बैंक अकाउंट में। मैं एकदम से जिसके अकाउंट में 10-15 हज़ार 20 हज़ार होते थे उसको दिख गए 5-6 लाख। अब मैंने बोला इसका क्या करूँ, मेरे को तो बोला था FD बना के रख दे, कुछ इंटरेस्ट आते रहेगा। लेकिन मैंने बोला FD में वो रील देखी थी, यू नो स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न्स बनते हैं वो FD में कहाँ बनते। तो मैंने बोला चलो इसको मैं मार्केट में डालूंगा, बट यू नो द थिंग इज, मैं बचपन से आई वाज यू नो अराउंड मनी, बिकॉज मैं जो बिजनेस कर रहा था, सो स्ट्रीट स्मार्ट। तो मैंने सोचा यार ये रिस्की गेम है, मेरे को एक्सपीरियंस तो आ गया था, अगर मैं इसके साथ छेड़छाड़ करूंगा इस कैपिटल के साथ तो घर पे बेल्ट पड़ेगी मुझे। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो कैपिटल था 50-60,000 जो मैंने सेव किया थोड़ा बढ़ाया, मैंने क्या किया 5 लाख के ऊपर ही 50,000 ऐड किया, मींस 50,000 पे 5 लाख ऐड किया। सो आई वाज लाइक ये 50 लाख में जो 5 लाख है ये मैं एज अ लेवरेज यूज कर रहा हूँ, इसको मुझे हाथ भी नहीं लगाना, इट्स जस्ट टू टेक क्वांटिटी, बट जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस होगा ये 50,000 में होगा। तो उसको आपने बेसिकली मार्जिन बना लिया अपना। यस, उसको मैंने मार्जिन बना लिया। सो वहां से मेरे को एक यू नो एज मिला, बिकॉज उस टाइम ऑप्शन सेलिंग जब वो रूल हटा था तो एक ऐसा टाइम आया ना, सारे प्रीमियम्स महंगे होते थे ऑप्शंस के, बहुत महंगे, एंड सेलर्स उस टाइम जो प्रॉफिट बना रहे थे दैट वाज क्रेजी,
उसके बाद बहुत अच्छा यू नो अकाउंट ग्रो हुआ, आई वॉन्ट बैक टू बैक सर्टिफिकेट जो मैंने अपने वेबसाइट पे भी अपलोड किए, एंड एक यू नो कॉन्फिडेंस आया, एंड देन बस वैसी जर्नी स्टार्ट हो गई। बहुत बड़ी जर्नी मैंने बता दी, बट यू नो बहुत सारे लोग, बस एक क्वेश्चन था, आपने आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट की, आपने कैसे शुरू किया, आप कहाँ से कैसे, मतलब यू नो ये सबको डाउट रहता है कि यार मैं भी कर रहा हूँ, कैसे यहाँ तक पहुंचे, क्या करे, तो ये वाली जर्नी थी। बट इसके अराउंड में एक बात करना चाहूंगा कि जो फंड्स है वो फ्यूल करने के लिए हमेशा, जैसे मैंने बोला मेरा वो बिजनेस था, और उसके बाद में जो थोड़े दूसरे भी मैं काम करता था, जैसे इवेंट्स हो गए, थोड़े इवेंट्स में मैं फंडिंग भी करता था, तो उसके प्रॉफिट शेयरिंग होते थे, तो यू नो कुछ ना कुछ करते रहता था, जिससे यू नो एक बेसिकली मुझे मेरा प्लान था कि कभी मेरे अकाउंट से पैसे ना निकालूं मैं, यू नो कि खर्चे के लिए थोड़ा यूज कर लिया। मेरा था कि मुझे जो अपना प्रिंसिपल कैपिटल है उसे बड़ा रखना है, और जैसे जैसे बिकॉज सी 1 लाख पे 1% आप करोगे 1000 रुपीज प्रॉफिट है, और 1 करोड़ पे 1% करोगे 1 लाख रुपए प्रॉफिट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ाना वॉज ऑलवेज द गोल, और बाकी एक्सपेंस तो मैनेज हो ही जाते थे, थोड़े घर से भी आते थे, तो इट वॉजंट अ बिग डील, बस ये था कि अकाउंट बड़ा करना। आपने अपनी काफी लंबी जर्नी बता दी, मेरे को तो बीच में बहुत ज्यादा सवाल आ रहे थे। एक तो मतलब आपको देख के लगी रहा कि बचपन से बनिया बुद्धि पूरी है, कि इधर उधर से जुगाड़ा, इधर पैसे का वो मैथ आपको बचपन से ही समझ में आ रहा था, right. और दूसरा ये कौन सी करण जोहर की कॉलेज में जा रहे थे आप, कि जिसकी 5-6 लाख फीस है, हर रोज गाड़ी अलग में आ रहे हैं। अभी बात ये ना कि मैं नाम लूंगा तो फ्री में कॉलेज प्रमोट हो जाएगा, तो मैं नाम नहीं लूंगा, बट ठीक है। सो मैं MIT में था, सो MIT बोला जाता है वैसा ही वो करण जोहर टाइप कॉलेज, जिसमें वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाले जैसे होता है ना, सेम वैसी वाइब थी। बट यू नो जरूरी भी है वैसे माहौल में रहना, क्योंकि तभी आपका माइंडसेट खुल जाता है, क्योंकि मैं लाइक स्मॉल टाउन, लातूर सिटी है, स्मॉल टाउन नहीं अभी अच्छी है, बट वहां से आया था, और वहां से मैं जब पुणे में आया, और यू नो 7-8 साल पहले आया पढ़ने, और मेरे लिए पूरी दुनिया खुल गई कि ओके इतनी बड़ी दुनिया होती है, क्योंकि वहां पे मैं जब 500,000 दिन के कमा रहा था, तो वहां पे मुझे सेट वाली फीलिंग आ रही थी, तो ऑब्वियसली वो भूख बढ़ गई, वो बड़ी चीज। एग्जैक्टली, और ये भूख है ना कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। तो मतलब जब आपने ऐसा बढ़िया रिटर्न वेटर्न बना लिया, आपने क्या वो फीस पापा को वापस दे दी कि नहीं? वो तो कॉलेज में दे दी ना, कॉलेज की फीस भर दी, मतलब जैसे जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ये 5 लाख है, अब ये साल की मुझे फीस देनी है, तो मैं मतलब एक्चुअली फीस तो साल की 3.5 लाख थी, जो कि नॉर्मल कॉलेजेस से 3 गुना ज्यादा थी। Exactly. तो ऐसा होता था कि जैसे जैसे मुझे इंस्टॉलमेंट देना है, तो एक इंस्टॉलमेंट 1 लाख का है, तो मैंने 1 लाख निकाल के दिया, तो प्रिंसिपल जो जो मार्जिन के लिए मैं कैपिटल यूज कर रहा था वो एज इट इज रखा। ओके, बट फिर बट उससे आपने अपना खुद का कैपिटल बढ़ा कर लिया, ग्रो कर लिया। एग्जैक्टली, सो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैंने उस कैपिटल को 10x किया, बट मैं ऐसा बोलूंगा कि एटलीस्ट मैं मार्केट में सस्टेन रहा, एक यू नो अच्छा ग्रोथ जो बोलते हैं डाइवर्सिफाई कर दिया, एंड जो मेजर रेवेन्यू मैंने, मेजर वेल्थ बनाया, एंड यू नो दिस इज लाइक ये जर्नी मेरी यूट्यूब ने भी देखी है, मतलब यूट्यूब ऑडियंस ने भी देखी है, ये लाइफ पे इट वॉज 2022 मैं क्रिप्टो लाइफ शुरू किया था उस टाइम मैंने, एंड आई यूज टू यू नो आई सॉ कि हमारा इंडियन मार्केट, आई थॉट कि 2022 बुल रन का पीक है, बिकॉज थोड़ा मार्केट वहाँ से साइडवेज हो गया था, आई थॉट कि ये ट्रेंड हो गया, ये साइडवेज हो गया, अगला फेज बियर रन आएगा, तो आई थॉट कि यहाँ से पैसे सारे निकाल के लेट्स इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, एंड देन मैं ऐसे मैंने कॉइन्स बाय किए, दैट टू ऑन लाइव स्ट्रीम, और मैं लोगों को बोल रहा था कि आप भी खरीदो, ट्रस्ट मी, एंड मैंने $20, $15 के ऐसे कुछ कॉइन्स बाय किए, $1, $2 के, जो कुछ कॉइन मुझे 10x दे गए, कुछ कॉइन मुझे 30x दे गए, कुछ कॉइन मुझे 50x दे गए, एंड दैट इज वेयर एवरीथिंग चेंज, दैट इज मतलब यू नो मेरी लाइफस्टाइल, एवरीथिंग चेंज फ्रॉम दैट, मतलब जो रिटर्न स्टॉक्स में भी नहीं मिलते हैं वो। यस तो मैं बस आपका रिएक्शन देखना चाहूंगा, तो ऑडियंस को नहीं दिखाइए, बट लेट मी शो यू द पोर्टफोलियो, ठीक है? सो एक सेकेंड, सो दिस इज लाइक द पोर्टफोलियो विच आई इन्वेस्टेड, एंड दिस इज द ग्रोथ, और ये अभी फाइनल नंबर है, अभी आज की करंट वैल्यू है। सो दिस इज वन अकाउंट, अच्छा, दिस इज अनदर अकाउंट, एंड आई हैव मोर अकाउंट्स, हार्ड वॉलेट्स, सो दिस इज वेयर एवरीथिंग चेंज। सो मैं बस व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि नंबर काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है, मतलब मैं ऐसा बताना चाहता नहीं था, बट हम दोनों ऑलमोस्ट सेम एज के हैं, आई गेस अभी मैं बहुत पीछे हूँ, बहुत कुछ सीखना है। तो मतलब अभी घर वालों का क्या रिएक्शन है, मतलब घर में पहले कोई इन्वेस्ट करता था या नहीं करता था? सो घर पे कोई लाइक इन्वेस्ट, मतलब इतना यू नो अगर आप देखोगे ना स्टॉक मार्केट का
जो लोगों को अवेयरनेस है वो रिसेंट 2-3 years में है. एग्जैक्ट बिफोर दैट इतना कुछ नहीं था. तो लोगों का यू नो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब एफडी था. दैट्स द बेस्ट उनको बता था, उसके अलावा कुछ नहीं पता. उनके टाइम में एफडी बहुत अच्छा रिटर्न देता था तो उनके मन में हमेशा वो एफडी जैसे बस गया. अपने लिए स्टॉक्स हो गया कि अपन ने वो बुल रन वाली रैली देखी है तो अपने को ऐसा है कि स्टॉक्स बेस्ट है. सो अपन ने वो 100% 200% 1000% भी देख लिए. एग्जैक्ट. लेकिन तो अपने लिए वो 2-3% साल का उतना पेशेंस नहीं रहा. अपना जनरेशन इज वी वॉन्ट फास्ट मनी, वी वॉन्ट टू ग्रो फास्ट. इतना वो बुढ़ा होके उतने पैसे लेके क्या मतलब, 20s में पैसे चाहिए. वो पढ़ा था मैंने कि मतलब पढ़ा भी नहीं, इन जनरल अगर आप बात करोगे कि 20s में मतलब अगर आप 60 साल की उम्र के हो और आपके 2-seater की कोई स्पोर्ट्स कार है, क्या मतलब 20s में आपके पास 2-seater की स्पोर्ट्स कार है, दैट्स व्हेन द फन बिगिंस. लाइक दैट्स व्हेन रियल जो लाइफ का यू नो टेस्ट है तब आता है इन योर 20s. बिकॉज आप एक बार सेटल हो जाते हैं, वंस यू आर मैरिड देन यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली, किड्स, वाइफ, तो आप तब बहुत सेफ खेलते हो. देन यू नो यू आर मोर फोकस्ड और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से यू डोंट डू ऑल दिस थिंग्स. तो वही मतलब मैंने ऐसे रिसेंट 2-3 दिन का ऑब्जर्वेशन में था, मैंने देखा लुई वुइटन के शूज थे आपके पास, ऐसा काफी कुछ प्रीमियम ब्रांड्स के ऐसा आप क्लोथिंग पहन रहे थे. मेरे को लगा कि ऐसा जनरेशनल वेल्थ हो सकता है, बट अभी बाकी चीजें देख के ऐसा लग रहा है कि आपने खुद से ही पूरा ब्रेक किया है. या एक्चुअली सो मतलब एक्चुअली अगर मेरे फैमिली बैकग्राउंड का बात करें तो देवर बहुत अच्छे थे, फैमिली बहुत वेल टू डू थे, बट देन क्राइसिस, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आया, बैंकरप्टसी आई. okay. और फिर उससे थोड़ा थोड़ा हील हो रहे थे. देन आई स्टार्टेड उसी फेज में यू नो आई गॉट मोर फोकस्ड एंड फिर मेरे को वो उससे मैंने ब्रेकआउट लाया. तो ओके, नाउ वी आर बैक टू द प्रीवियस स्टेज. सो इट्स लाइक ऑल्सो जैसे आपने नाम लिया तो आई डोंट यू नो सी कि क्या ब्रांड नाम है क्या है. इट्स जस्ट कि मैंने यू नो मैनिफेस्ट किया था कि जब मैं देखता था सेलिब्रिटीज के पास ये है ये है ये ब्रांड के, मैं सारे वो पेजेस फॉलो करता था कि ये ब्रांड्स के मुझे लेना है. और फिर जैसे ही मैंने एक भी चीज मैंने उसकी ले ली, मैं अनफॉलो कर देता था उस पेज को. लाइक डन, अब मेरे को नहीं मतलब यू नो अब ये फैसिनेटिंग नहीं रहा. तो ये तो रही आपकी ऐसा वो प्रीमियम वाली लाइफस्टाइल. अगर हम जैसे मैं हूँ, मेरे को काफी अब इंटरेस्ट आ रहा है कि यार आपकी कोई स्ट्रेटेजी मुझे सीखने को मिल जाए या और हमारे व्यूअर्स को सीखने को मिल जाए तो दैट वुड बी ग्रेट, हमें बहुत मजा आएगा. तो आपकी कोई स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है तो आप हमें बताओ. और साथ में जो लोग नए व्यूअर्स हैं, जो एकदम बिगनर्स है एक्चुअली, जो मेरी एज के है, जिनको एक्चुअली मार्केट्स में घुसना है, तो उनके हिसाब से करेंगे. कुछ भी कॉन्सेप्ट होगा मैं वैसे पूछूंगा आपको, आप प्लीज वैसे एक्सप्लेन कीजिएगा. सो ये मैं चार्ट पे एक्सप्लेन करूँ या कैसे? क्योंकि अपन ने अभी जैसे अपसर्च पे जो कंप्लीट एक कोर्स बना है वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत डीप में समझा है. सो आई होप कि हमारे ऑडियंस को वहाँ से बहुत वैल्यू मिले, काफी वैल्यू फॉर मनी है. एंड यही बेसिक मैंने जो स्ट्रेटजी वहाँ यूज की है, दैट ओनली स्ट्रेटजी इज आई यूज इन मार्केट्स, दैट्स इट. कोई मैं हैवी, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग इज लाइक मोर इनटू प्राइस एक्शन फोकस्ड रहता है, फंडामेंटल्स वगैरह ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है. बट हाँ, अगर आप थोड़ा वो कंपनी का थोड़ा प्रोजेक्शन भी देखते हो, लेकिन डिपेंड करता है क्योंकि स्विंग ट्रेड्स में भी वीक, 1-2 week, 3 week में खत्म होता है. सो मैटर नहीं करता कि क्या फंडामेंटल है क्या, इट्स जस्ट प्राइस एक्शन अच्छा है, ब्रेकआउट अच्छा है, दैट्स इट, आप बाय कर लो. सो मैं स्ट्रैटेजी अगर आपको चार्ट में बताने से अच्छा बस अगर एक बेसिक सा बोल दूं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है लाइट रहे रैदर देन यू नो जनरिक ऑडियंस इसे देख सके, रैदर देन बहुत हार्डकोर अपन चार्ट्स पे जाने से अच्छा बस मैं इतना बोलूंगा कि जो स्टॉक पर्टिकुलर जितना ज्यादा कंसोलिडेट करेगा उसके ब्रेकआउट पे वो उतना बड़ा मूव करेगा. सो आपको वो स्टॉक आइडेंटिफाई करने जो बहुत अच्छे कंसोलिडेशन में, एंड अगेन उसका ओवरऑल जो ट्रेंड है लाइक 200 EMA के ऊपर होना चाहिए, दैट मीन्स वो थोड़ा बुलिश सेंटीमेंट पे, स्टॉक का कोई नेगेटिव न्यूज में वगैरह नहीं होना चाहिए. लाइक फंडामेंटली मतलब यू नो ऐसा ना हो कि जैसे यू नो गुड कंपनीज निफ्टी 50 के निफ्टी 200 के यू नो दे आर डूइंग गुड, बस देन फाइंड द कंसोलिडेशन, यू नो फाइंड दो स्ट्रेटजीज एंड देन जस्ट बाय व्हेनेवर इट गिव्स अ ब्रेकआउट. तो मतलब अगर जिनको ये पॉडकास्ट देख के इंटरेस्ट है स्विंग ट्रेडिंग सीखने में तो वो एक बार के लिए कोर्स देख के आ सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं अगर उन्हें एनरोल करना है. बट अगर हम ऊपर से ही थोड़ा डिस्कशन करते हैं ताकि उन्हें आइडिया है कि उन्हें सच में इस चीज में इंटरेस्ट है कि नहीं, राइट? तो हम थोड़ी बेसिक्स कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जिसमें हम ऐसा देख लेंगे या तो स्क्रीन कैसे करते हैं पहला ऐसे स्टॉक्स. ओके, तो हम क्या करते हैं, सो मैं आपको एक बार चार्ट पे लेकर जाता हूँ. तो रेड वाला हो गया हमारा 50 EMA और ब्लू वाला हो गया 200 EMA. ठीक, तो अगर इस स्टॉक को देखोगे
इस स्टॉक को यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये स्ट्रेटेजी मैंने जो कोर्स है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए 50 or 200 का क्रॉस ओवर, बट इफ यू सी ये जो स्टॉक था ना कंटिन्यूसली एक लोअर लो ट्रेंड बना रहा था, बट इफ यू जूम आउट दिस स्टॉक आपको दिखेगा ये जो इसका जो बॉटम था वहाँ पे अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करते इस पूरे बॉटम से जो 2020 का क्रैश था उसके टॉप से, तो यू विल सी कि ऑलमोस्ट 0.6 का भी रिट्रेसमेंट था जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आपको आइडिया होगा या 0.5 या 0.6 से लेता है, सो इट्स कंसिडर एज अ वेरी हेल्दी रिट्रेसमेंट, तो ये एक हमारा सिग्नल बन जाता। उसके बाद अगर इफ यू सी यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर हम फॉर्म करते हैं एक बहुत अच्छा चैनल बन रहा था, एंड बस मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसका कंसोलिडेशन की बात करते हैं। सो अब देखो जुलाई 2022 से अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च ऑलमोस्ट अप्रैल, तो आप देखोगे 9 महीने का ये कंसोलिडेशन चल रहा था ऑलमोस्ट, एंड उसके बाद ये ब्रेकआउट आया। सपोज यहाँ पे आप देखो पैटर्न भी बना है हमारा इन्वर्टेड एंड शोल्डर, बट सपोज अपन ये पैटर्न भी इग्नोर करते एंड सो इफ यू सी ये इन्वर्टेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये एक तो बाय सिग्नल आपका यहाँ पे बनता, एक राउंड नंबर आपका 500 जो एक राउंड नंबर साइकोलॉजिकल नंबर बोला जाता है ये भी क्रॉस हो रहा था, तो यहाँ पे भी एक बाइंग सिग्नल बनता। 200 EMA यहाँ पे 500 जो हो गया राउंड नंबर, हाँ तो कैसा होता है कि साइकोलॉजिकल नंबर बोला जाता है 1000, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी के लिए बात करते हैं 12,000, 12,500, 13,000, 13,500, तो जिस भी स्टॉक का या इंडेक्स का एक साइकोलॉजिकल नंबर या एक राउंड नंबर होता है उसका एक सिग्निफिकेंस होता है, बिकॉज जो बड़े इंस्टीट्यूशंस या प्लेयर्स होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते कि मेरा 583.5 पे रेजिस्टेंस है, वो सोचते हैं कि 600 पे मैं ये क्वांटिटी प्लान करता हूँ, 700 पे मैं एग्जिट करता हूँ, सो दे यूज राउंड नंबर्स। और इससे क्या होता है कि बहुत सारे पोजीशन जैसे स्ट्राइक प्राइस भी आप देखो जीरो रहता है किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब अगर पूरा 18,300 आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस देखो एक राउंड नंबर या जीरो रहता है, उसको अपन राउंड नंबर नहीं बोलेंगे। सो बेसिकली क्या होता है जो नंबर्स ऐसे होल नंबर्स होते हैं वो इजी टू रिमेम्बर होते हैं एंड वहां पे आप बहुत सारे पोजीशंस भी बनी हुई होती है लोगों की। इवन आई गेस जब लाइक हम भी बाय करते हैं रिटेल एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट तो हमारे दिमाग में ये रहता है ना यार 500 अच्छा 500 रुपए पे आगे चलो इस पे और ले लेते हैं। सो 1000 रुपए बहुत सिग्निफिकेंट नंबर रखता है। आप देखो जो स्टॉक्स रिसेंटली इंफोसिस एचसीएल टेक उनका 1000 पे जो ब्रेकआउट आया वो डायरेक्टली 30-40% वहां से रैली कर गया, सो ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। सो यहाँ पे आप देखो 9 महीने का कंसोलिडेशन ब्रेक करना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाना, उसके बाद यहाँ पे 50 EMA ब्रेक करना, एंड देन ये जो इतना ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रहा है चैनल भी ब्रेक हो रहा है यहाँ पे बहुत सारे सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं। आप यहाँ पे देखोगे 50 or 200 का क्रॉस ओवर हो रहा है, सो ये जो क्रॉस ओवर होता है ना ये बहुत स्ट्रांग स्ट्रैटेजी मानी जाती है जब 50-200 को ब्रेक करता है तो बेसिकली स्टॉक वहां से काफी ट्रेंड करना चालू कर देता है, तो ये तो इंडिकेटर हो गया, यहाँ पे प्राइस एक्शन भी हो गया। एंड आप देखोगे उस टाइम थोड़ा अगर हम फंडामेंटल पार्ट भी ऐड करते हैं तो BSE ने अपना न्यू लॉन्च किया था सेंसेक्स उस टाइम पे जो नया FNO के लिए था, फ्राइडे को सेंसेक्स एक्सपायरी आने वाला था कि मतलब, बट इसमें हमें स्टॉक्स पहले तो वही स्क्रीन करने चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। सो या तो ऐसा जरूरी नहीं कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो, बट हाँ वो एक एज देता है आपको, लाइक फंडामेंटली स्ट्रांग है तो अगर ब्रेकआउट आता है तो हायर चांसेस होते कि वो रैली करे। बट जैसे अगर आर पावर की भी वो 700 से नीचे की रैली देखी है या येस बैंक की वो नीचे से रैली देखी है तो मतलब अगर या तो BSE भी वैसा एक स्टॉक बन सकता था कि एकदम लगाड़ हो जाता, लोग खरीदते नहीं पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वैसे स्टॉक्स कैसे स्क्रीन करें हम कि जैसे येस बैंक है आज 400 से वो 10 रुपए पे चला गया था तो अब अभी भी मैं एंट्री करने का कब लेता उसमें सोचता। सो अब देखो वो जो स्टॉक है ना वो ऐसे स्टॉक है जो 90% गिर चुके अपने हाई से, वो लिटरली अपने फाइनेंशियल डिसरप्ट हो चुका है, उनका पूरा फंडामेंटल ये हो चुका है इसलिए वो क्रैश हुए। बट आप देखोगे ना टेक्निकली भी जाके उनके टाइम फ्रेम पे आपको ऐसे ट्रेड मिलेंगे जहाँ पे 10-20% भी टेक्निकली वो मूव करता है, लाइक अगर आप स्विंग ट्रेडिंग उसमें प्लान करो, बट देन अगेन इट्स लाइक वो एक पेनी स्टॉक के सेगमेंट में चला गया। सो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो मेक श्योर करो कि वो स्टॉक का प्राइस मोर देन 100 रुपीज रहे, बिकॉज लेस देन 100 इट्स अ पेनी स्टॉक, मैनिपुलेशन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो 100 के ऊपर आपको वो स्मॉल कैप में आ जाता है एंड देन यू कैन प्लान गुड ट्रेड्स ऑन इट। एंड ऑल्सो जैसे कि फंडा मैंने कहा कि स्विंग ट्रेड ऐसे होते हैं ना कि आपके हो सकते हैं एक आध हफ्ते के अंदर ही टारगेट हिट हो जाए, तो आपको उतना फंडामेंटली करने की कुछ जरूरत नहीं रहती, क्योंकि ब्रेकआउट कब आता है वेन बिग प्लेयर्स आर बाइंग, लोगों के वहां पे
स्टॉप लॉस हिट हो रहा है एंड वो एक क्विक एंड शार्प मूवमेंट होता है. तो आप ये सेम चीज डेली टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, 4-5 days ऑफ मोमेंटम एंड आपका टारगेट हिट हो गया. हाँ, बट जैसे BSE स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग था, तो अगर ये वीक स्टॉक होता तो एक हफ्ते भर का मोमेंटम आता उस स्टॉक में एंड खत्म हो जाता. बट क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आप देखोगे अगर इसका रिटर्न 500 पे एक टाइम पे हुआ करता था, नाउ इट्स 2863 एंड ये जस्ट जब सेंसेक्स लॉन्च हुआ टेक्निकल ब्रेकआउट आया एंड प्राइस एक्शन भी काफी अच्छा था. आप देखोगे 50 EMA को सपोर्ट लेता गया, मतलब 50 EMA के ऊपर रहता गया. अगर आप एग्जिट अपना इस ब्रेकडाउन पे भी प्लान करते जब ये 50 EMA ब्रेक हो रहा था एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो यू वुड हैव एग्जिटेड अराउंड 2176 व्हिच वुड हैव बीन ऑलमोस्ट 4x. लाइक मतलब 5-6 गुना तो हो ही गया स्टॉक. या सो लाइक मैंने भी मैं आपको दिखा था, मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया था एंड आई हैव बुक्ड 90% इसमें ऑलमोस्ट. तो आप अगर BSE का भी बाइंग प्राइस देखोगे ना, रिसेंटली मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे 60% यहाँ पे आप देखो इन्वेस्ट मैंने 1786 पे किया था जब ये इसका प्राइस मैं आपको देता हूँ 70. मतलब अभी करंट प्राइस से 1000 रुपए नीचे पे आपने लगभग 1100 रुपए नीचे, 1100 रुपए मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट बाय किया था. सो मैंने पहले भी पोजीशन बनाई थी बट एज आई सेड कि उस टाइम आई वाज लाइक यहाँ पे भी मेरे को फीलिंग आ रही थी कि बुल रन खत्म हो गया बिकॉज निफ्टी भी गिरना स्टार्ट कर रहा था और प्राइस एक्शन बना रहा था. सो आई वाज स्केर्ड और मैंने वहां पे पूरा पोर्टफोलियो बुक किया. बट देन आई थॉट कि यार मार्केट तो वापस यू नो तेजी पकड़ रहा है, स्पीड पकड़ रहा है और ये इलेक्शन तक यही होने वाला है. सो आई अगेन मेड पोर्टफोलियो और फिर ये जो स्टॉक्स है काफी अच्छा ट्रेंडरी मिले और वहां पे भी बहुत सारे स्टॉक डबल हो गए. जैसे भेल वाला एक स्टॉक है वो भी 120% मेरा भी गेन पे चल रहा है. भेल भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ? या जस्ट. और ये जो स्टॉक है सारे मैंने मुहूर्त के आसपास ही यू नो उस टाइम मैंने पोर्टफोलियो लिया था कि मुहूर्त का टाइम है तो चलो अपन अच्छे अच्छे यहाँ पे स्विंग ट्रेड्स कौन कौन से बन रहे देखते हैं. उसके बाद गोल्ड ऑल टाइम हाई चला गया मुहूर्त से, क्रिप्टो मार्केट्स या बिटकॉइन ऑल टाइम हाई चला गया, निफ्टी ऑल टाइम हाई चला गया, एवरीथिंग वेंट ऑल टाइम हाई. सो पता नहीं अब ये कब तक चलेगा बट आई थिंक जितना बड़ा बुल रन हो उतना बड़ा बेयर रन भी होता है. सो टाइम टू बी अलर्ट. तो मतलब इसी से मेरे को ऐसा 2-3 सवाल आ रहे हैं. एक तो पहला कि जैसे मेरे को भी यही सेम फीलिंग आई थी यार कि मार्केट टॉप आउट हो गया है, अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया. जब निफ्टी 19-20 हज़ार पहुंच गया था तब मैं ऐसा था यार अभी तो कुछ है ही नहीं, फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है. तो मैं ऐसा था कि अब मैंने स्टॉप कर दिया इन्वेस्ट करना, थोड़ा बहुत कैश कर दिया, लिक्विडेट कर दिया स्टॉक्स को. बट तब से अब तक मैं वेट ही कर रहा हूँ. मार्केट 19-20 पहुंच गया, 20-21, 21-22 और अभी पता नहीं क्या पता 23 भी छू दे आने वाले टाइम में. ऑलमोस्ट आ चुके हैं 23. हाँ एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट 23,000 पे 200 पॉइंट दूर है बस. तो ऐसे टाइम पे खुद को वापस से कन्विंस कैसे करना चाहिए मार्केट में एंटर करने का? और दूसरा जैसे आपने जो भी स्टॉक्स बताया ये मैंने देखा है, इनकी रैली देखी है, बट ऐसे स्टॉक्स आप वापस से पकड़ते कैसे हो कि मतलब? राइट. सो ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं बहुत अच्छे से इसका आंसर दूंगा. ठीक है. सो सबसे पहले ये समझो कि ये जो बुल रन हुआ है ये आज तक का सबसे बड़ा बुल रन हुआ है जितना मैंने टेक्निकली चार्ट पे देखा है. सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स वाला ये बुल रन, मतलब परसेंटेज वाइज हुआ है. अगेन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया इतना बड़ा रैली होने वाला है. सारे मेजर स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट जो है 2020 अप्रैल से जो रिकवरी होना चालू हुआ, 2021 तक 90 डिग्री रैली किया, 22 में जो साइडवेज हो गया था पूरा साल एक बॉक्स में था. एग्जैक्टली. मैंने 90% लोगों ने वहां एग्जिट कर दिया ये सोच के कि इसके बाद एक ब्रेकडाउन आने वाला है. एंड टेक्निकली वहां पे एक ब्रेकडाउन आया भी था जो फेल हुआ, मतलब ब्रेकडाउन आया. एवरीवन गॉट स्केर्ड यहां से क्रैश आने वाला है, सब लोग एग्जिट हो गए. मतलब इट फॉल फॉर लाइक 1000-1500 पॉइंट्स निफ्टी, सब डर गए यहाँ से गिरने वाला है. बट वहां से अगेन न्यू हाई 23 देख लो, 23 अप्रैल से जो शुरू हुआ है अभी 24 अपन आ गए अप्रैल पे, एक साल से बुल रन मतलब यू नो रैली कर रहे हैं. सो यू नो दिस इज समथिंग जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. बट यू नो अगर आप इंट्राडे में भी ट्रेड करते हो अब आपको ये आइडिया आ चुका होगा कि कुछ डेज होते हैं जहाँ पे मार्केट में आप सुबह का रैली मिस कर देते हो बट आपको एक आइडिया आ जाता है आज कुछ भी हो जाए मार्केट बस ऊपर ही जाते जाने वाले. तो आप क्या करते हो कि पुल बैक पे वापस एंटर करते हो एंड आप जो सेकेंड हाफ की रैली है वो कैप्चर कर लेते हो. राइट. सो जब 2021 में वो मूव आया और व्हेन आई थॉट कि एग्जिट करना बेस्ट रहेगा, देन जब आई सॉ कि मार्केट फिर एक रैली पकड़ना चालू कर रहा है, देन आई थॉट कि ये इलेक्शन से 24 तक तो ये चलने ही वाला है. सो जो भी स्टॉक मुझे अब से कभी भी मार्केट गिरेगा 5%, 2%, 4%, मतलब मैं निफ्टी को मेन लेकर चलता हूँ इंडेक्स को. निफ्टी 5% का मुझे एक फॉल दिखा
जितने अच्छे अच्छे स्टॉक पे मुझे अच्छे लेवल पे दिख रहे हैं मैं वहां पे बाय करता हूँ, दैट्स माय स्ट्रेटजी। एंड अब इसके बाद मुझे एक आइडिया आ चुका है कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट टॉप या बॉटम, एग्जैक्टली बेस्ट, और ये क्रिप्टो से मुझे काफी अच्छी लर्निंग मिली है, बेस्ट वे इज बाय ऑन डिप्स एंड लीव इट, दैट्स इट। क्योंकि आप अगर बॉटम पकड़ने जाओगे कभी नहीं मिलेगा, टॉप पकड़ने जाओगे आपको कभी नहीं मिलेगा। जस्ट एक सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करो, हायर हाई बनता है तो हायर लो आएगा, हायर लो पे इन्वेस्ट करो, वापस आपको हायर हाई ही मिलना है। अभी के टाइम मार्केट हायर हाई पे, वेट करो हायर लो आएगा। डोंट थिंक ये 16,000 15,000 14,000 कितने पॉइंट पे जाएगा, बट इफ यू सी हायर लो 5-10% का डिप है, आपका जो भी यू नो कैपिटल है, जो भी अकाउंट साइज है, आपको पोर्टफोलियो बनाना है, उसका 5-10% एक्युमुलेट कर दो, दैट्स इट। सो ये थोड़ा काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग में आ गया। एंड उसी टाइम पे व्हेन यू थिंक की निफ्टी अब हायर लो से हायर हाई जाने वाला है, इनिशिएट ऑल द स्विंग ट्रेड्स। ओके, क्योंकि निफ्टी के साथ साथ निफ्टी अगर 5% रिकवर करते हैं तो वो स्टॉक्स 10-10% रैली करेंगे। सो वो फॉल जब आएगा, वो डिप जो आएगा 5% का, और वहां से रिकवरी जो आपको दिखेगी, तो आप ऐसे स्टॉक्स फाइंड करो जो कंसोलिडेशन में थे या जिनमें एक हायर लो बने, तो वहां से आपको स्टॉक काफी अच्छे रिटर्न देंगे। थोड़ा प्राइस एक्शन ऐड करो, लेवल्स बनाओ, रेजिस्टेंस वगैरह बनाओ, एंट्री प्लान करो, स्टॉप लॉस लगाओ, एंड टारगेट प्लान करो, निफ्टी विल हेल्प यू। तो टेक्निकल्स के थ्रू कुछ आपके पास ऐसा एक तरीका है जिससे ये स्टॉक स्क्रीन हो जाए, या ऐसा कोई चैनल हमें डायरेक्टली दिखने लग जाए या पता पड़ने जाए? सो देखो, अब कैसा होता है, उसके लिए स्क्रीनर्स भी होते हैं जिसमें आप फिल्टर्स लगाते हो कि प्रीवियस डे से ज्यादा वॉल्यूम हो, ये ईएमए ब्रेक, ये ईएमए के ऊपर हो, 200 के ऊपर हो, 50 के ऊपर हो, या फिर यू नो लाइक सबको अलग अलग क्राइटेरिया होता है। मेरे लिए यू नो मैं ऑनेस्टली अब मैं तो मैन्युअली देखता हूँ। अगर मैंने 200-250 स्टॉक्स का एक यू नो वॉच लिस्ट बना रखी है, मैं बस क्या करता हूँ, एक स्टॉक पे क्लिक किया, बस नीचे का एरो दबाते रहता हूँ, तो यू नो बस मैं देखता हूँ कि उसका स्ट्रक्चर हायर है पे या हायर लो पे। तो मेरे को सिर्फ 20-30 सेकंड्स लगते, या 10 सेकंड्स लगते हैं बस टू अंडरस्टैंड। लाइक अगर आप स्क्रीन पे देखोगे फॉर एग्जांपल, ठीक है मैं काम करता हूँ आपको एक, आई जस्ट शो यू अ डेमो। फॉर एग्जांपल ये स्टॉक्स है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पे, राइट, डेली टाइम फ्रेम है। अब बस ठीक है, अब देखो ये कहाँ पे हायर हाई पे, ठीक है, ये स्किप, ये कहाँ पे ये लोअर लो बना रहा है, मतलब कुछ मुझे यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा है आपको? हाँ, नहीं, स्किप, नहीं दिख रहा, तुरंत स्किप, यहाँ पे स्किप, हायर हाई पे स्किप, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है तो इसको मैं थोड़ा वॉच लिस्ट में ऐड करूंगा और इसको थोड़ा बाद में देखूंगा। यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है, यहाँ पे भी ब्रेकआउट आ चुका है, हायर हाई पे नहीं, यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है नहीं, और यहाँ पे भी कुछ नहीं, और ये एक स्टॉक। तो अब ये मैं थोड़ा और स्पीड में करता हूँ, अगर 200 स्टॉक्स है तो 200-300 स्टॉक बहुत आराम से एनालाइज होते हैं, बस आपको स्ट्रक्चर देखना है। देखो मैंने ये पूरे स्टॉक में से ये दो स्टॉक क्यों पिक किए, बाकी सारे स्टॉक में कोई हायर हाई पे है, कोई डबल टॉप बना रहा है, कोई लोअर लो पे, बट ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे जीनियस पावर जो भी स्टॉक है, तो आप देखो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर क्या दिखेगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हो कि ये गिरा, पुल बैक दिया, सेलर्स फिर अटेम्प्ट किए नहीं जा पाया, फिर ऊपर गया, सेलर्स फिर अटेम्प्ट किए नहीं जा पा रहा है, और एक ब्रेकआउट दे रहा है। ओके, आई कैन इनिशिएट और आई कैन प्लान अ स्विंग ट्रेड, यहाँ पे मैं अपना एंटर कर सकता हूँ, एक छोटा सा सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस, मे बी आई कैन प्लान ये अपना टारगेट, क्योंकि मार्केट निफ्टी बुल रन में है, ऑल टाइम हाई लगा सकता है, हो सकता है ये स्टॉक उसको पुश कर दे। सिमिलरली ये जो स्टॉक आप देखोगे प्रोटीन इंजीनियरिंग, सेम चीज, सेम इन्वर्टेड एंड शोल्डर, एंड मे बी यहाँ पे भी मैं अपना एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ एक ये रेजिस्टेंस टारगेट के साथ प्लान कर सकूं। सो एक यहाँ पे मैंने जस्ट मार्केट स्ट्रक्चर यूज किया कि पोटेंशियल है क्या हायर लो पे, क्योंकि देखो ये भी स्टॉक अगर आप जूम आउट करोगे आप इसको बोल सकते हो ये हायर लो पे, राइट, ये देखो ये रैली हुई, एंड ऑफ यहाँ पे रैली हुई, ये पुल बैक, एंड अब वापस इनिशिएट कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए। सो सेलर्स को जो प्रॉफिट बनाना था वो यहाँ पे बना चुके, अब ये बायर्स की बारी है इसको फिर उठाने फिर ऊपर लेके जाने। तो बस आपको अंडरस्टैंड हुआ कि क्या इसका यू नो डायरेक्शन है क्या, फिर आप उसके बाद बस लेवल्स बना के इनिशिएट कर सकते हो ट्रेड को। एक्चुअली ये मेरी वॉच लिस्ट ही थी, तो अच्छा मेरे को पता पड़ेगा कौन से स्टॉक पे नजर रखनी है। दैट्स ग्रेट। सो यहाँ पे मे बी यू कैन एड मोर क्वांटिटीज, बिकॉज आपने समझो इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किए, अभी आपको डिप मिल गया, यहाँ पे अगर चार्ट पे देखोगे डिप कितना परसेंटेज है, देखो ये डिप कितना, अगर आपने इसको है ना
इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में डाला है, मतलब आपने इस स्टॉक में कुछ ना कुछ देखा होगा, राइट? आपको इस स्टॉक में कुछ ना कुछ पसंद आया होगा, देखो 40% डिप है। अगर ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, तो इधर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। सेकंड, आप अपने इन्वेस्ट पोर्टफोलियो में इसे मतलब और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, सो बाइंग ऑन द डिप। एंड आपने जो भी लाइक क्रिप्टो का भी पोर्टफोलियो देखा ना, उसका यही स्ट्रेटेजी थी, बाय ऑन डिप। न्यूज है, नेगेटिव है, सब कुछ, सब बेच रहे डर के, बाय इट, क्योंकि 20% एक दिन में, 30% एक दिन में गिरता है, एंड दैट्स द बेस्ट टाइम कि आप उसमें हेविली इन्वेस्ट करो। बिकॉज अगर आपको फंडामेंटली पता है कि इट्स स्ट्रॉन्ग स्टॉक, स्ट्रॉन्ग कॉइन, इसे ऊपर ही जाना है, तो ये आपको रिटर्न दे ही देगा। बट स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है ना? वो तो हमेशा जरूरी है, बिकॉज यू नो कल को कल किसने देखा है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी रातों रात, ऐसे एग्जाम्पल्स हमने देखे कि अच्छे से अच्छे स्टॉक रातों रात यू नो जीरो हो चुके। यस बैंक बहुत अच्छी कंपनी थी, रिलायंस पावर एक टाइम बहुत अच्छी कंपनी थी, क्या हुआ? सो स्टॉप लॉस इज ऑलवेज नेसेसरी, बिकॉज भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता कि स्टॉक मार्केट कहाँ जाना है। बस आप मैनेज कर सकते हो, आपके हाथ में वही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो करंट गवर्नमेंट है, अगर वो वापस पावर में ना आए तो भी एग्जैक्टली क्रैश देखने में। एग्जैक्टली, और समझो ये स्टॉक का यू नो कुछ न्यूज लीक हो जाए, कुछ इसका सीईओ उसको कुछ हो जाए, या यू नो अभी जस्ट एक आया था कि कुछ कंपनी का सीईओ स्टेप डाउन कर रहा है, अगले दिन 5% स्टॉक गिर गया, तो तब एग्जिट कर देना है भले लॉस में हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, रादर देन वो लॉस काफी बड़ा हो, उसको स्मॉल लॉस में कट कर दो, ताकि आप अगले ट्रेड में बिग प्रॉफिट एम कर सको। आई गेस लाइक ये एक ऐसी चीज है जो थोड़ी बहुत मुश्किल होती है एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट, लॉस में पोजीशन काटना। मतलब मेरे को भी, मैंने अभी धीरे धीरे हैबिट डाल दी है, लाइक जैसे अगर मैं मेरे पापा का देखूं, उनसे वो हैबिट होती नहीं है, तो आई गेस ये सबको थोड़ा हैबिट इनकलकेट करना चाहिए कि लॉस अपने कट करने चाहिए। सो यू नो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छा देता हूँ, थोड़ा इनफॉर्मल है। सो आपका जो फर्स्ट रिलेशन था लाइफ का, ठीक है, तो जब वो फर्स्ट रिलेशन कैसा था, कितना इमोशंस आते थे, हर एक छोटी छोटी चीज आप नोटिस करते थे, एंड यू नो केयर करते थे, बहुत सारी चीज होती थी। बट जब ब्रेकअप हुआ तो आपके इमोशंस कैसे थे उस टाइम? बहुत खराब, यू नो कुछ ऐसा लगता था जिंदगी यही खत्म हो गई और ये सब चीजें। बट आप यही चीज कंपेयर करो, आप मान लो आपका 10th रिलेशन है, 11th रिलेशन है, अब आप थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हो, बिकॉज यू नो कि हाउ इट गोज, हाउ इट एंड्स, राइट? आप ट्राई करते हो सब चीजें, बट इवेंचुअली जो होना है यू एक्सेप्ट द ट्रूथ। ऐसे ही है स्टॉक मार्केट के साथ, इनिशियली जो जैसे आपने बोला नए नए होते तब स्टॉप लॉस हिट होना वो एक्सेप्टेंस नहीं होता, बट विद टाइम आप बोलोगे यही तकदीर है, एक स्टॉक में लॉस हुआ तो अगले में प्रॉफिट होगा। काफी एकदम उम्र के हिसाब से एग्जाम्पल आया आपका भी। एग्जैक्टली, सो लोगों को मेरी साइकोलॉजी काफी पसंद है, बिकॉज मैं रिलेट करता हूँ, आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। जैसे मैं अभी अपन बिस्किट की बात कर रहे थे, आपने बोला एक दो दिन में आपने, सो स्टोरी है कि ये जो बिस्किट्स है इस सबके रैपर्स जो है सेम है, बट इसके अंदर है ना अलग अलग टाइप के बिस्किट है, तो मतलब 2-3 टाइप के बिस्किट है, तो मैं बस टच करके समझ रहा था किस टाइप का बिस्किट है, तो मैं वही बोल रहा था कि, तो इन्होंने बोला कि यार आप एक ही दिन में सब ऑब्जर्व कर लिया, मैं बोला आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, तो आई ऑब्जर्व पीपल क्या सोचते हैं क्या करते हैं, एंड यू नो मैं बहुत अकेला रहना पसंद करता हूँ, मैं अकेला ही रहता हूँ, तो मैं अपने थॉट्स में जाता हूँ, मैं सब ऑब्जर्व करता हूँ, कौन क्या कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, किसका क्या थॉट प्रोसेस है, किसी ने ये वीडियो डाली है तो वो क्या सोच रहा है, वेरी गुड ऑब्जर्वर, एंड मैं काफी सेल्फ यू नो थिंकिंग में रहता हूँ हमेशा। तो मतलब अभी जैसे काफी रिटेल साइड पे वगैरह देखो तो काफी यंग जो ऑडियंस है, जो यंग इंडिया है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आई गेस वो आपकी ऐसी बातों से ज्यादा कनेक्ट कर रहा होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो या सो वो होता है ना कि अगर 30-40 में जो लोग है जो पढ़ा रहे हैं, वो जो 20 ईयर्स का पर्सन फील कर रहे हैं वो समझ नहीं पाएंगे, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जनरेशन गैप है, तो आई कैन यू नो फिल दैट गैप, मैं कनेक्ट भी कर सकता हूँ, मैं सिखा भी सकता हूँ, पढ़ा भी सकता हूँ, और क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ दिन में 6-6 घंटे, यू नो तो लोगों को ऐसा हो गया कि यार मुझे देखे बिना यू नो दिन बहुत अधूरा लगता है, क्योंकि मैं बस मार्केट के अलावा सारी बातें करता हूँ मेरे स्ट्रीम पे, तो पीपल कनेक्टेड, और वो जैसे तारे जमीन पर, जैसे आमिर खान सिखाता है ना कि रियल एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, तो लोग बहुत कनेक्ट करते हैं इस चीज से। और मतलब मैं आपको देख रहा हूँ, मेरे को आपको देख के लग रहा है आप फिटनेस में भी काफी इन्वॉल्व हो, क्या ऐसा हार्डकोर? या तो एक्चुअली मैं बहुत बहुत लीन, बहुत पतला सा था, आई वाज 50 kg। अच्छा, मेरे जितने? हाँ, और पतला था मैं, मतलब मेरे इतने से हाथ थे, तो आई वाज लाइक यू नो अगर मुझे उस टाइम पे लाइफ में करने के लिए कुछ नहीं था, एंड
यू नो सबसे अगर पहला अगर आपको इन्वेस्टमेंट बेस्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इट्स विद इन यू आपके स्किल्स हो गए फिजिक माइंड बॉडी एंड हेल्थ मतलब यू नो ओवरऑल जितना हो सके बिकॉज ये चीज आप खरीद नहीं सकते ये चीज आपको मिल नहीं सकती एंड इसे हार्ड वर्क डेडिकेशन कंसिस्टेंसी से ही अचीव किया जाता है एंड यू नो इट्स लाइक अगर आप जिम फॉर एग्जांपल डेली जा रहे हो एक घंटा जो कि बहुत टफ होता है जाना मन नहीं करता जाने का और एक डेढ़ घंटा आप अपने बॉडी को यू नो पेन कर रहे हो पेन दे रहे हो मसल्स तोड़ रहे हो फिर आप दिन भर डाइट कर रहे हो तो यू नो आप एक माइंड को स्ट्रांग बना रहे हो एंड वो हैबिट वो डिसिप्लिन वो कंसिस्टेंसी आपके आगे कुछ भी कामों में यूज होता है वो आप क्योंकि आपने ये आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आता है कि अगर मैं एक चीज इतना डेडिकेटेडली कंसिस्टेंटली कर सकता हूँ तो मैं आगे कुछ भी काम अचीव कर सकता हूँ कोई भी काम अचीव कर सकता हूँ तो वही जो हैबिट्स हैं आपकी वही आप मार्केट्स में लेके आते हो एंड वहीं पे वो आपको सक्सेस भी देख के एग्जैक्टली सो इसका भी मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा पता नहीं मुझे आपके साथ तो कैंडिड कन्वो लग रहा है मे बी अपनी सेम एज है इसलिए तो मैं ज्यादा ओपन अप हूँ तो यू नो लाइक मैं यूट्यूब मैंने जब शुरू किया था 2020 में किया था 2020 में तो उस टाइम है ना मैंने 400-500 वीडियोस डाले थे आई जस्ट हैड 100-50-100 सब्सक्राइबर्स दैट्स इट 500 वीडियो के बाद ओके आई जस्ट हैड 50-100 सब्सक्राइबर मेरा चैनल डिलीट हो गया बिकॉज वो कुछ तो कम्युनिटी गाइडलाइन समथिंग मुझे आ गई उसके बाद मैंने सेकंड चैनल बनाया फिर वो एक हफ्ते में उड़ गया थर्ड चैनल बनाया फिर उसमें मैं 10-20 वीडियोस ऐड किया फिर एक आध हफ्ते में वो उड़ गया तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है तो आई सॉ कि मेरा नंबर यूट्यूब ने कुछ तो यू नो वो ब्लैक लिस्ट किया है तो मैं इससे जो भी चैनल बना रहा हूँ उसकी वजह से वो सारे चैनल डाउन जा रहे हैं सो मैंने क्या किया न्यू नंबर न्यू ईमेल बनाया 2021 में फिर से स्टार्ट किया मैंने 600-700 वीडियोस डाले 2022 तक 21 में शुरू किया पूरा साल 22 पूरा साल 22 के दिसंबर तक आई जस्ट हैड कितने सब्सक्राइबर्स गेस एक साल यूट्यूब में टाइम लगता है दो साल अच्छा दो साल 21 और 22 तो आपके हो गए होंगे 20,000 के आसपास 100 सब्सक्राइबर तो यू नो इट्स लाइक तीन साल यू आर पोस्टिंग एवरी डे आप उसमें लाइव भी जा रहे हो जिसमें तीन लोग ही देख रहे हैं जिसमें से दो फोन मेरे होते थे पता नहीं तीसरा शायद यूट्यूब का बॉट होगा तो तीन साल आप डेली वीडियो डाल रहे हो लाइव जा रहे हो हर चीज कर रहे हो आप कुछ भी वर्क नहीं कर रहे बट यू आर स्टिल गोइंग मेरे एक पॉइंट क्या तो हुआ था कि यार चैनल गया यू नो जाने दो कोई प्रॉब्लम नहीं मतलब सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे कोई प्रॉब्लम नहीं बट इससे मुझे क्या मिल रहा है कि मैं कोई भी टॉपिक बहुत पढ़ रहा हूँ बहुत सीख रहा हूँ और उस पर फिर वीडियो बना रहा हूँ मैं लाइव मार्केट में जा रहा हूँ कोई देख नहीं रहा बट मेरा खुद का जर्नल बन रहा है मैं जाके वो लाइव मार्केट में मेरा क्या रिएक्शन था मैंने कैसे ट्रेड लिया वो मुझे सीखने मिल रहा है तो आई थॉट कि चलो ये मेरी यूट्यूब मेरी एक पर्सनल डायरी बन जाएगी बट देन सब ब्लू हुआ एंड विद इन अ मंथ मैंने 100 सब्सक्राइबर से 100 के कर दिया था दिसंबर में टू जैन 100 सब से 100 के हो गए कांग्रेचुलेशन सिल्वर बटन पे बट हमारा भी रिसेंटली आया दैट्स ग्रेट यार पीछे था ना पता नहीं कहां गया अभी होगा इधर उधर ही बट देन एक साल में अगेन वी वेंट टू 5. यू नो हाफ ऑफ मिलियन 550k YouTube पे हम अभी पीछे रह गए ये पॉडकास्ट के बाद में भी थोड़ा 4-5 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल सो अभी 500k पे चैनल है आपका या 550 हम चैनल मेंशन कर देंगे नीचे जिसको फॉलो करना है सब्सक्राइब करना है प्लीज कर दीजिएगा थैंक यू तो बट मतलब वो जर्नी कैसी थी कि मतलब दो साल तक कुछ नहीं हो रहा है तो वो ब्रेकडाउन था मोटिवेटेड कैसे रखते थे क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग भी एक थोड़ा ऐसा लोनली प्रोफेशनल मुझे लगता है क्योंकि यार आप एक जगह एक कमरे में हो अपने एक सेटअप के बीच में हो ज्यादा किसी से इंटरेक्ट करना नहीं अपने काम के लिए जो है ये मेरा कंप्यूटर है उससे मेरी कमाई होगी सो इसी के लिए मतलब काफी बार ऐसा होता है कि वो क्या बोलते हैं कन्विक्शन लेने के लिए लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं मतलब कभी PNL होता भी नहीं है वो भी फ्लॉन्ट करने के लिए कहीं से निकाल के डालते भी है सो ऐसे टाइम पे वो लोग कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं सो यू नो व्हाट जैसे मैंने आपको लाइक जो जिम वाला पार्ट था कि मैं अकेले जा रहा हूँ मैं 50 kg से मैंने 85 kg वेट जर्नी की थी तो उसमें इट वाज सेम कि महीनों सालों तक रिजल्ट नहीं आ रहा है वो जर्नी में आप खुद को आपके अंदर ही आपको ही पता है खुद के बॉडी को कितना पेन हो रहा है आप वो कैसे डाइट फॉलो कर रहे हो वो कितनी डिफिकल्टी से आप जा रहे हो क्या थॉट प्रोसेस है सेम चीज यूट्यूब में भी थी सेम चीज ट्रेडिंग में भी थी एंड तीनों चीजों को मैं होल्ड ऑन रहा और तीनों चीजों में मुझे ब्रेकआउट मिला एंड लाइफ का यही ट्रूथ है कि
100% लोग ट्राई करते हैं एंड वही 1% लोग जो बोलते ना 1% क्लब, वो वही लोग है जो पागलों की तरह करते रहते देनो कुछ भी नहीं हो रहा बट कर रहे एंड ओवरनाइट सक्सेस, उसे वो ओवरनाइट सक्सेस आ जाती है बट वो ओवरनाइट सक्सेस के लिए वो सालों की मेहनत भी. एंड आई फील कि वो यू नो ये रूल है नेचर का कि दे आर प्रिपेयरिंग यू टू बिकम द बेस्ट वर्जन, क्योंकि वो फेज में ही यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. बिकॉज मैं इतना इंट्रोवर्ट था, मैं आज तक स्कूल कॉलेज में कभी स्टेज पे नहीं गया. मैं कभी यू नो प्रेजेंटेशन वगैरह होता था तो 3-4 लोगों का होता था तो उसमें मैं सबसे पीछे छुप जाता था खड़ा होके, तो मैं ऐसा था. और अभी देखो मैं कितना बात कर रहा हूँ. एग्जैक्टली मेरे को तो ऐसा ये इससे ऐसा ही लग रहा है कि जो जितना ज्यादा कंसोलिडेट होगा उतना बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा. दैट्स द गेम. जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट, और ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम करता है. तो मतलब आपकी तो काफी यंग एज है, तो अभी मैं इसमें क्या ही पूछूं कि अपने यंगर सेल्फ को क्या बोलते. बट आज का जो अभय है वो 5 साल पहले वाले अभय को क्या बोलता कि यार ये जो तू कर रहा है इसकी जगह ऐसा भी कर ले, या एक एक एडवाइस जो आप देना चाहोगे. एक एडवाइस मे बी ये होता कि ठीक है, मतलब अगर आप किस वे में बोल रहे हो कि किसी इन्वेस्टमेंट वाइज बोल रहे हो या यू नो ऐसा कुछ जिससे जर्नी में भी मेरी जर्नी मैं ऐसा बोलूंगा जनरल एडवाइस, क्योंकि आपकी जो लाइफ की मैंने जर्नी देखी है वो आपकी लाइफ की जो आपने हैबिट्स है वही आप मार्केट में लेके आए हो और सक्सेस मिली है आपको. तो आप कोई भी एक जनरल आपकी हैबिट या कोई एडवाइस है जो आपने यंगर सेल्फ को देना चाहोगे. तो मेरा मतलब हमेशा ये बचपन से प्रॉब्लम रहा है टाइम का. सो आई थिंक मैं मे बी 1 मिलियन पे होता अभी. सो थिंग इज मैं बताता हूँ कि आई डोंट नो मेरे साथ मेरा ब्रेन ही ऐसा वायर्ड है, मैं टाइम ही मैं समझ नहीं पाता. मैं आई एम ऑलवेज लेट. आई डोंट नो हाउ. मैं 3 घंटा पहले भी कहीं निकल जाऊँ, अगर 10 मिनट में मुझे कहीं जाना है 3 घंटा पहले ही निकल जाऊँ फिर भी मैं 15 मिनट लेट वहाँ पहुँच ही जाऊँगा. आज भी मुझे शायद 11 बजे आना था, मैं 2 बजे आ गया. पता नहीं वो कैसे हो जाता है. सो आपको बताया मैंने IIT की एग्जाम मिस कर दी मेरी. क्या बात कर रहे हो. मैं सिर्फ 1 मिनट लेट हुआ और मुझे बैठने नहीं मिला. तो यू नो सो अगर तो मेरी जो लाइव स्ट्रीम होती है तो बहुत टाइम क्या होता है कि यूट्यूब अपना नोटिफिकेशन नहीं देता. तो आई फील कि सारे लोग तो उस टाइम कैसा होता है जैसे शो होता है कि एवरीडे 8 PM एवरीडे 9 PM. तो आई फील कि अगर मैं डेली यू नो एक फिक्स्ड टाइम पे आऊँ तो ऑडियंस विल गेट यूज्ड टू इट कि हाँ ये वो उस टाइम पे आ रहा है. सो बट आई एम वर्किंग ऑन इट. मैं थोड़ा ब्रेन को मैंने अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सारे टाइम में 20-20 मिनट पीछे कर दूँ, सॉरी आगे कर दूँ, ताकि यू नो आगे या पीछे समथिंग लाइक दैट. आगे ना पीछे कर दूं तभी तो ऐसा कि आगे कर दूं कि अच्छा 3 बजे मतलब 2:30 बजे ही लगे कि 3 बजे. हाँ आगे 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 कर देते आगे कर देते टाइम ताकि. सो मैं अपना सारा टाइम थोड़ा आगे कर दूं ताकि यू नो तो मैं थोड़ा जल्दी आऊं. बट या हर यू नो नोबडी इज परफेक्ट. हर कोई अपने कुछ ना कुछ वीकनेस पे वर्क कर रहा है. बट आई फील कि जो मैं 18 मतलब ये तो ठीक है एक पार्ट है, बट I feel कि अगर मैं जब 18 साल का था I did everything exactly what should I would say. So focus on your health, focus on your mind. और उस टाइम से ही मैं पैसों को chase कर रहा था. I was working on my health, my mind, my body, everything. So हाँ मैंने कुछ गलत तो नहीं किया. मे बी और efforts डालता तो मे बी और आगे होता. बट ठीक है. का कोई business background है या अभी? So yeah, so मेरे family का background था real estate में. That's okay. why I chose civil engineering. So I thought okay, I would help my family business. But you know, every business has its pros, cons. And but a real estate is a business that if you are in con side, then bahut issue aa sakta hai. So it was like my hometown mein we started our real estate ventures. Okay. But then wahan pe drought aa gaya bahut saalon tak and everything you know got disrupted or fair. You know banks, loans, and all that stuff. So I have seen wo upside wali life in my childhood, then downside wali life in my college wala time. So I've seen everything, ups and downs. I hope kabhi down na dekhne mile. So abhi bhi wo business run kar rahe hain ya exit kar diya? So now I am helping to. तो अब आपने retirement sponsored ऐसा कुछ किसी को देखने की जरूरत नहीं. Right, but right. काफी अच्छी बात है कि आप ऐसा कहना एज कहना मुझे अच्छा नहीं लगता. बट आपके केस में एक्चुअली ये प्राइड की चीज भी मेरे को लगती है एक्चुअली कि यंग एज में आप अपने पेरेंट्स को ऐसा रिटायरमेंट भी दिलवा पा रहे हो. सो यू नो द फन पार्ट इज कि जो लाइक जैसे मैंने बोला रियल एस्टेट वो
जो हाफ हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था जो स्टक हुआ और बहुत बड़े इश्यूज हो गए उसमें, ड्रॉट आ गया. तो यू नो द बेस्ट पार्ट इज कि आफ्टर 10 इयर्स उसको 10 साल हो गए, नाउ आई एम कंप्लीटिंग दैट बिल्डिंग. एंड वो मेरे डैड का ऐसा ड्रीम था कि वो यू नो जो हमने शुरू किया था हमारा वेंचर वो एटलीस्ट वो खत्म है. तो वो आई कैन, अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो हम आपके लिए कुछ लाए हैं. ट्रेडर अभय पाटिल, जिनके यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स पैराडाइज से आप उनको जानते होंगे, उनके साथ मिलकर हमने एक कोर्स डेवलप किया है ऑन स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स. इस कोर्स में अभय आपको 3 स्विंग ट्रेडिंग सेटअप सिखाएंगे अलॉन्ग विद अ स्कैनर जिससे आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो जिसमें आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो. इस कोर्स में हमने ये भी डिस्कस किया है कि स्विंग ट्रेडिंग को लेकर आप अपनी साइकोलॉजी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. ये कोर्स सिर्फ 1499 में अवेलेबल है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. तो जल्दी ही इस कोर्स में एनरोल करें और अपने स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स को डेवलप करें. तो मेरे को लगता है वो मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट होगा कि मेरे डैड के सामने जो उनका था ड्रीम वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ. यस, बिकॉज वो फंड्स का बहुत बड़ा इशू हो गया था, बट देन नाउ आई एम हेल्पिंग हिम टू कंप्लीट इट. And उसके बाद डैड विल गेट रिटायर्ड. तो दैट्स द यू नो बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी. यार काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है मतलब. और इस उम्र में आप ऐसा थॉट रख रहे हो तो आई गेस आपके माइंड में तो काफी क्लैरिटी है चीजों को लेके. तो आई गेस तभी आपका पोर्टफोलियो भी बता पा रहा है वो सक्सेस स्टोरी. एंड आपका अगेन यू नो व्हाट, एज इज जस्ट अ नंबर. इट्स लाइक जो पर्सन ज्यादा एक्सपीरियंसेस लेता है ना लाइफ में वो उतने जल्दी मैच्योर होता है. कुछ जो मेरे से ज्यादा हार्डशिप्स देखा है मे बी 17-18 का, वो मेरे से ज्यादा मैच्योर होगा. यू नो जो 30s में वो सिल्वर स्पून में है, फैमिली कंफर्ट में है, पूरे टाइम पैसे, वो अभी भी उसको स्ट्रीट स्मार्ट दुनियादारी की समझ नहीं होगी. सो यू नो इट्स ऑल अबाउट हाउ मच एक्सपीरियंस यू गेन. अब स्टॉक मार्केट भी कोई अगर 10 साल की उम्र से शुरू कर रहा है एंड ही इज 20 ईयर्स, उसके पास स्टॉक मार्केट का 10 साल का एक्सपीरियंस है. मे बी कोई 50 साल का भी आदमी हो बट ही वुड दैट 20 year kid would know better than him. Like I've seen some forex traders who 17-18 saal ke, they are making millions a day just because they started early. Okay. So India mein main you know main age kyun nahi batata kabhi, because India mein age ke upar aapko judge karte hain. Exactly. So for example main apni age bata do to log bolenge are chhota isse kya seekha, experience kahan hi hoga. Haan. But I guess exactly. Life ke jo real experience hai wo aapko bahut badi learnings de jate hain jitne उम्र का एक्सपीरियंस नहीं दे पा. Exactly, that's the point. काफी like, मतलब मेरे को ऐसा लग नहीं रहा मैं कोई 23 साल के लड़के से बात कर रहा हूँ. भले मैं आई एम सॉरी कि मैं मेंशन कर रहा हूँ बार बार वो उम्र, क्योंकि ऐसा मेरे को थोड़ा वो फॉर्म हो रहा है कि यार मैं कहाँ पे हूँ, आई हैव टू आल्सो वर्क अ लॉट. यू नो अगेन आई विल से कि नेवर कंपेयर योर जर्नी, बिकॉज मैंने भी वो बहुत सालों की हार्डशिप देखी है. एंड यू नो इट्स लाइक सबसे ज्यादा पेन कब होता है, व्हेन यू कैन सी कि वॉट लाइफ हैज टू ऑफर और आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हो, दैट इज मोर डिफिकल्ट. बिकॉज बहुत सारे लोग है ना अपने अपने वो लाइफ में सेटिस्फाइड रहते हैं, खुश रहते हैं कि हाँ यार मेरे पेरेंट्स हैप्पी है, आई हैव दिस जॉब, आई हैव दिस सैलरी, आई एम वेरी हैप्पी पर्सन. बट अगर किसी उस पर्टिकुलर पर्सन को दिख रहा है हाउ बिग लाइफ इज, क्या क्या अचीव करने को है, तो वो गॉड उसको सिग्नल दे रहा है कि मैं तेरे को ये विजन दे रहा हूँ, तो यू हैव टू अचीव इट एंड यू हैव टू वर्क इट. तो वो काफी टफ होता है. एंड आई वुड से कि नेवर कंपेयर योर जर्नी, बिकॉज यू नो ये सारी चीजें मैं बचपन से देखता है वो, ये ब्रांड्स और ये सब चीजें, और ये इसे मैंने क्रेव किया, इसे मैंने मैनिफेस्ट किया, सो आई एम एबल टू अचीव दिस. बट अगर फॉर एग्जाम्पल आपका अगर गोल देखोगे, इट्स लाइक आई वुड से देखो फॉर एग्जाम्पल सबको अमीर बनना है, राइट, सबको अमीर बनना है, लेकिन कितना बैडली बनना है उसके लिए वो क्या करने के लिए तैयार है. अगर आपको बोलोगे मैं अमीर बनना है किसी को भी, कोई मना नहीं करेगा, सबको अमीर बनना है. बट क्या आप उसके लिए कुछ एफर्ट्स डाल रहे हो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर रहे हो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हो, तब जब वो बात आती है तो लोग करते नहीं यार मैं अपनी जॉब में खुश हूँ. ओके. एंड इट्स लाइक सबकी बुक्स अलग है, सबका चैप्टर अलग है, तो नेवर कंपेयर. मे बी आप एक स्टार्टअप फाउंड कर लो एंड आप यू नो उसे एक बूटस्ट्रैप बिजनेस बना लो, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की कंपनी बन जाए, उसका आईपीओ लिस्ट हो जाए, You never know. Maybe मैं इसी content creation में, उसी you know trading में bear run आ गया, मैं उधर ही चल रहा हूँ और आप surpass कर गए. You never know. It happens. Ups and downs and वो life का part है. Exactly. तो अभी सर एक ये बात बताइए कि अगर मैं हूँ या मेरे जैसा ही कोई young 20-30 के age वाला है जो job ही कर रहा है, उसको भी एक additional income या
अपना एक वेल्थ क्रिएट करना है थ्रू ट्रेडिंग, तो एक स्टेप बाय स्टेप थोड़ी जर्नी, या कोई आई गेस आई वुड से कि कोई कॉलेज से निकला बच्चा है उसी को इसमें करियर बनाना है, तो उसके लिए क्या एडवाइस होगी और एक क्या फाउंडेशन आप ले करना चाहोगे, बिकॉज आपने वो जर्नी जी है और जल्दी वाली जी है, सो आई गेस आप वो थोड़ा बेटर रिलेट करके कनेक्ट करके बता पाओगे। सो व्हाट आई फील कि देखो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जो इट्स लाइक अ एडिक्शन, सो यू नो जो नंबर्स होते हैं ना उससे आपको प्यार हो जाता है, तो आप चाहोगे कि वो थ्री डिजिट जो है वो फोर डिजिट बने, फोर डिजिट फाइव डिजिट बने, फाइव सिक्स बने, सिक्स सेवन बने, सेवन एट बने, तो आप उसको हमेशा ग्रो होता हुआ देखना चाहते हो क्योंकि आपने वो सीड्स डाले और उसको पूरा ट्री बनने देना चाहते हो। आपका कभी मन नहीं करेगा कि मैं वहां से वो समझो फॉर एग्जांपल गाड़ी लेनी, पूरे पैसे विड्रॉ कर लिए, गाड़ी ले ली एंड यू आर सेइंग कि जिसको मैंने यू नो बच्चे से आदमी होते हुए देखा है वो वापस जीरो हो गया, अब मुझे जीरो से स्टार्ट करना है, तो वो कभी आपको मन नहीं करेगा। यू विल ऑलवेज वॉन्ट कि उसे ग्रो करता रहे, मे बी इन इमरजेंसी आप उससे थोड़ा बहुत विड्रॉ कर रहे हो, मे बी आपने समझो चार जगह इन्वेस्ट कर दिया है, आपने हर एक इन्वेस्ट का एक टारगेट रखा है कि ये नंबर हिट करता है तो मैं इससे एक गाड़ी लूंगा, ये नंबर हिट करता है इससे मैं घर लूंगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मतलब मेरा थॉट प्रोसेस बता दो, मैंने क्या किया, मैंने जितने भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड किए मैंने हर एक का टारगेट रखा है, मैंने एक लैम्बोर्गिनी के लिए भी एक पोर्टफोलियो बनाया और उसका मैंने एक टारगेट लिया कि जिस दिन ये नंबर हिट होगा इसको मैं जीरो करके लैम्बोर्गिनी लूंगा, बट फिर बाकी सारे जो पोर्टफोलियोज है उसको, बट वो मेरे को हमेशा रहेगा कि अगर ये पोर्टफोलियो जीरो भी हुआ मैंने और चार पांच बना के रखे जिसको मैं बच मतलब यू नो ग्रो करते जा रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कि जीरो हो गया और खत्म है मेरे सारे पोर्टफोलियो। तो आपको मेन तो डाइवर्सिफाई करना है और उसके टारगेट्स रखने हैं। दूसरा अगर आप बोलोगे ना कि मुझे मंथली एक्सपेंस निकालना है, मुझे डेली एक्सपेंसेस के लिए कुछ या फिर मेरा खर्चा चलता रहे, देखो दो टाइप के होते हैं, या तो आपका नॉर्मल डेली एक्सपेंस और एक होता है आपका वन टाइम बिग एक्सपेंस। तो ये जो वन टाइम बिग एक्सपेंस होते हैं ना उसके लिए आप अलग अलग पोर्टफोलियोज बना के रखो, आई विल टेल यू किस में बना सकते हो, लेकिन जो ये डेली वीकली मंथली जो भी एक्सपेंस होते हैं ना उसके लिए साइड हसल फाइंड करो। मे बी आप जॉब कर रहे हो, लर्न एडिटिंग, लर्न फोटोशॉप, लर्न प्रीमियर प्रो, आप क्लाइंट्स वीकली बना मिल जाते हैं यार, आपको पांच क्लाइंट्स भी मिल गए वीकली, आपको समझो वीक के पांच क्लाइंट से पांच प्रोजेक्ट आ रहे हैं, यानी एक क्लाइंट से एक प्रोजेक्ट आ रहा है आपको, आप हर एक प्रोजेक्ट का 1000-2000 रुपए चार्ज कर रहे हो वीकली और गेटिंग 5000-6000, आपका पूरा हफ्ते का खर्चा निकल जाएगा 5000, देन यू हैव योर सैलरी ऑल्सो जिससे मे बी आप घर पे कुछ दे सको, आपके पास कुछ रख सको, सेविंग्स में रख सको, तो साइड हसल इज मस्ट, जिससे आपका क्योंकि आप ऑफिस में होते हो दिन भर आप काम कर रहे होते हो, आपका टिफिन होता है, आपका आने जाने का सिर्फ जो पेट्रोल वगैरह का एक्सपेंस है वो मे बी 500-600 रुपए इज व्हाट यू स्पेंड ऑन अ डेली बेसिस, वीकेंड को आप 1000-2000 ये करते हो, तो 10-20,000 इज समथिंग यू स्पेंड, तो उसके लिए फाइंड अ साइड हसल जिससे आपको खर्चा निकलता रहे एंड उसको आप मास्टर करते जाओ, वो 5000 आप वीक का 10-15-20 टीम हायर कर लो, एक और यू नो इंटर्न कर लो आपके नीचे कॉलेज का किसी, और प्रोजेक्ट्स लो उसको 1-2000 सैलरी लो, आप आगे 10000 चार्ज करो, आप उसका एक साइड असल में भी आप उसको मेन बिजनेस बनाओ जॉब छोड़ के। देर आर सो मेनी थिंग्स टू डू ऑन दिस प्लानट इफ यू आर जस्ट इंटरेस्टेड, बिकॉज मैंने क्या क्या क्रेजी चीजें बिकती हुई देखी है इंटरनेट पे, यू नो कुछ भी बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। और अगर ये तो हो गई जो एग्जिस्टिंग जॉब में है उन्हें साइड हसल करके धीरे धीरे कैपिटल ग्रो करना चाहिए बेसिकली, आपने जो बोला प्रिंसिपल साइज बड़ा करो, बट अगर कोई हमारी उम्र का ही है 2021 का है, कॉलेज से बाहर निकलने वाला है और उसको करियर ही इस चीज में बनाना है, सो लर्निंग वाइज आप ये बताओ कि कहाँ से शुरू करना चाहिए। सो देखो स्ट्रक्चर ये होना चाहिए कि पहले उसको तीन एस्पेक्ट समझना चाहिए, साइकोलॉजी, माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट। सो साइकोलॉजी की हमने बहुत अच्छे से बात कर ली इस पूरे पॉडकास्ट में। सेकंड होगा रिस्क मैनेजमेंट कि उसको अपने फाइनेंस अंडरस्टैंड करने कि उसका कितना इनकम है, कितना वो रिस्क कर सकता है, कितना एक ट्रेड में रिस्क कर सकता है, कितना एक दिन में रिस्क कर सकता है, ही हैज टू अंडरस्टैंड ऑल हिज फाइनेंस। उसके बाद देयर इज दिस टेक्निकल नंबर बता सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट में कि अगर आपका 100 रुपए इनकम है तो आप 20 रुपए इन्वेस्ट करो, 20 रुपए का 10% 2 रुपए आप रिस्क कर सकते हो, ऐसा कुछ नंबर। सो ऐसा मैं बोलूंगा कि आप 100 रुपए कमा रहे हो तो उसमें से आपके 20 रुपए एक्सपेंस हो गए, 30 रुपए किसी के एक्सपेंस हो गए, 70 रुपए बचे आपके पास, 70 रुपए से आप 20 रुपए इंट्राडे ट्रेडिंग में डाल दो, जिसे इट्स अ हाई लेवरेज प्रोडक्ट, आप कम पैसों से ज्यादा पैसे बनाने के लिए एम करोगे, बाकी जो 50 है आप 10-20 रुपए सेविंग्स में डाल दो, आपका एक बैकअप रहना जरूरी है, बाकी 30 रुपए आप स्विंग ट्रेड या इन्वेस्ट करते जाओ। सो इससे क्या होगा,
और उस जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, देखो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, अगेन देयर इज अ जनरल रूल कि आप अपने ट्रेड का 1% रिस्क करो इंट्राडे ट्रेडिंग में. अब अगर स्विंग कर रहे हो मे बी यू कैन रिस्क 2-3% ऑफ द ट्रेड डिपेंडिंग आपका क्या टारगेट्स है. मे बी आपको टारगेट 20-30% मिल रहा है तो 3% इज लाइक 1:10. आपको 6-7% टारगेट मिल रहा है 3% इज योर 1:2. सो दैट डिपेंड्स ट्रेड ऑन ट्रेड. सो इट्स जस्ट की एक सिंपल वर्ड में लूज स्मॉल विन बिग. देयर इज नो एनी परसेंटेज अगेन जिस भी अमाउंट पे आप कंफर्टेबल हो. एंड व्हाट वाज द थर्ड पॉइंट. एंड थर्ड पॉइंट ये है. सो फर्स्ट वाज साइकोलॉजी, सेकंड वाज रिस्क मैनेजमेंट एंड थर्ड वाज टेक्निकल एनालिसिस. तो टेक्निकल एनालिसिस इज लाइक एवरीथिंग व्हिच कम्स अंडर प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज. आपके लेवल्स बनाना हो गया चार्ट पे, जो भी आप लाइन बना रहे हो, कुछ भी लाइन, कुछ भी इंडिकेटर, वो आपका प्राइस एक्शन आपके टेक्निकल एनालिसिस में आ गया. तो उसको परफेक्ट करना जरूरी है. इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग योर एंट्रीज, स्टॉप लॉस. अगर आप लेवल्स गलत बनाते हो, फॉर एग्जांपल आपने रेजिस्टेंस गलत बना लिया, तो जो आप जो रेजिस्टेंस एक्चुअल रेजिस्टेंस ऊपर है, तो आप नीचे वाले रेजिस्टेंस को जैसे क्रॉस होगा आप समझोगे इट्स अ ब्रेकआउट और आप वहां पे बाय करोगे. बट देन यू विल रियलाइज कि अच्छा रेजिस्टेंस तो ऊपर था एक्चुअल. तो बहुत मिस्टेक्स या बहुत लॉसेस हो सकते हैं इफ योर टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें प्राइस एक्शन एंड यू नो स्ट्रेटजीज वगैरह सब कुछ है. इफ इट्स नॉट गुड यू कैन लूज लॉट्स ऑफ मनी इन दैट. सो ये तीन एस्पेक्ट्स आप मास्टर कर लो. फिर आप डिपेंड करते हैं आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है. अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो अंडरस्टैंड कि आपको क्या टाइम फ्रेम्स मैटर करेंगे, कैसे आपको ट्रेड को स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट करना है, सेक्टर्स को समझना है, ये सब मैंने स्विंग ट्रेडिंग कोर्स में समझा दिए. एंड अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो बहुत स्किल्स ज़्यादा लगेगी, बहुत आपको वो चीज़ें मास्टर करते जाना पड़ेगी जो भी ये तीन एस्पेक्ट बोला है इस पर इसके ऊपर. सो फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ जैसे आप ऑन मार्केट ऑफ मार्केट की बात करते हैं. जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल रियल इस्टेट इंडस्ट्री में कुछ बहुत बड़ा करना है, तो एक रियल इस्टेट कंपनी ज्वाइन कर लो. फॉर 6-8 महीना एक्सपीरियंस ले लो. सी कि कैसा कंपनी वर्क करता है, कैसा उनका फ्लो है, कैसे वो टारगेट करते हैं, कैसे वो लोगों को मैनेज करते हैं, कल्चर कैसा है उनका, जो इनसाइट्स है वो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क एंड फिगर आउट कर लो. कनेक्शंस बनाओ, नेटवर्क बनाओ एंड देन स्टार्ट योर ओन. ये हो गया ऑफ मार्केट. ऑफ मार्केट अगर मेरे को मार्केट में करियर बनाना हो तो. अब आपको मार्केट में करियर बनाना है तो देखो मार्केट में व्हाट आई सॉ कि आप करियर मार्केट में कब बनता है. तो आप जब एक फॉर एग्जांपल आप मार्केट पे अपना जो पूरा आपका खर्चा जो है वो कब निकाल सकते हो. मे बी आप महीने का 1-2 लाख रुपए बना रहे हो तब यू थिंक कि हाँ यार मैं महीने के 1-2 लाख विड्रॉ कर सकता हूँ, राइट, टू कवर माई मंथली एक्सपेंस एंड एवरी थिंग आई हैव इज फ्रॉम मार्केट्स, आई डोंट हैव एनी इनकम सोर्स. तो आपका ऐसा माइंडसेट है महीने के 1-2 लाख रुपए. सो अब 1-2 लाख रुपए के लिए आप इमेजिन करो दैट इज दैट शुड बी 5% ऑफ योर कैपिटल इफ यू आर एमिंग कि मुझे महीने के 5% प्रॉफिट बनाना है. दैट इज लाइक एमिंग नहीं, दैट इज लाइक अ जनरल नंबर कि एक अच्छा ट्रेडर 5%, 10% एवरी मंथ. स्टिल वेरी बिग नंबर आई गेस 5-10% टू मंथली अचीव करना प्रॉफिटेबल. सो यू नो 5% इज समथिंग यू कैन अचीव एवरी मंथ बिकॉज़ अब देखो आप स्टॉक ही देख रहे हो तो देखो यहां पे कुछ स्टॉक 5-5% ऊपर गए. बट रफली कितने कैपिटल साइज पे. सो अगेन आई वुड से कि अब ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक ट्रेडर, एक बहुत अच्छा सा अच्छा ट्रेडर वो एम करता है बड़े कैपिटल वाले 5-10% एम करे. छोटे कैपिटल वालों को अच्छा आरओआई मिल जाता है बिकॉज वो रिस्क भी ज्यादा करते हैं. बट हम मान लेते हैं मिनिमम एवरी मंथ आप कोई भी कैपिटल हो 5% प्रॉफिट एम कर लो. ठीक है, ये एक पार्ट हो गया. अब आपको एक्सपेंस निकालने के लिए 1-2 लाख रुपए महीने का खर्चा चाहिए, राइट. तो अब अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो एटलीस्ट आपके पास 10 लाख का कैपिटल हो और महीने का 5% कर रहे हो तो आप 50,000 बनाओगे. 20 लाख कैपिटल हो, महीने का 5% कमा रहे हो तो आपके पास 1 लाख रुपए होंगे जो कि आप विड्रॉ करने का सोच सकते हो. सो एटलीस्ट आपके पास कैपिटल 20-25 लाख होना चाहिए एंड आपका विनिंग परसेंटेज 5-10% होना चाहिए. तब आपके जो प्रॉफिट्स है मंथ के 1-2 लाख, 3 लाख रुपए बनेंगे एंड तब आप वो विड्रॉ कर सकते हो. ना इमेजिन जो कॉलेज से बाहर आ रहा है क्या वो 25-30 लाख अरेंज कर सकता है या उतना ग्रो कर सकता है या उतना कैपिटल हैंडल भी कर सकता है. नहीं कर सकता. उसको अगर ये पहले माइंड से निकालना पड़ेगा कि मैं अगर मार्केट में जा रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट इनिशियल 3 इयर्स यहाँ से पैसे निकालने का सोचना ही नहीं. मुझे यहाँ पे बस एग्जिस्ट करना है एंड वो प्रिंसिपल अमाउंट बड़ा करना है. प्रिंसिपल अमाउंट आप 10 लाख तक कर लिए, एम फॉर 5%, महीने के 50,000 बना लिए, आप विड्रॉ दैट 50,000, दैट इज योर मंथली एक्सपेंस. बट लर्निंग के पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे मुझे
करियर तो बनाना है बट मुझे पता ही नहीं शुरू कहाँ से करूँ या पढ़ू कहाँ से. ओके तो सो सी अगर मैंने कैसे शुरू किया, आई थिंक यूट्यूब इज द बिगेस्ट लर्निंग सोर्स. आपको हजारों वीडियो मिलेंगे बट जस्ट द प्रॉब्लम इज आपको बहुत सारा जंबल क्योंकि फ्री प्लेटफॉर्म नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, फ्री प्लेटफॉर्म है. कोई भी आके बोल देगा ये काम करते, दूसरा आके बोल रहा है अरे ये काम करते ही नहीं, तीसरा बोल रहा है अरे ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, चौथा बोल रहा है अरे बहुत बकवास स्ट्रेटेजी. तो वो कहीं ना कहीं जंबल करता है. बट आई फील अगर आप 100 चीजें देखोगे आपको खुद का दिमाग वो उतना कैपेबल हो जाएगा कि टू अंडरस्टैंड कि क्या सही है क्या गलत है. एल्स सेकेंड ऑप्शन इज आप एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स लर्निंग की तरफ जा सकते हो. आपके जैसे कोर्सेस है अपसर्च के, स्ट्रक्चर्ड टॉपिक वाइज अच्छे वहाँ पे यू नो अच्छे मेंटर्स द्वारा सिखाए गए. मेरे खुद के पर्सनल कोर्सेज भी है. एग्जैक्टली आप उस कोर्स को भी थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं कि आपने एग्जैक्टली उसमें कवर क्या किया. स्विंग ट्रेडिंग में, हाँ स्विंग ट्रेडिंग. सो बेसिकली अब देखो यू नो ऐसा टाइम आ रहा है कि इलेक्शंस वगैरह का टाइम है, मार्केट्स में बहुत सारे मूवमेंट हो सकते हैं, गवर्नमेंट न्यू आ रही है और बहुत एक अगर आप जॉब कर रहे हो कॉलेज जो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, जॉब करते जो जिनके पास पैसे है जो एक स्टेबल इनकम आ रही है जॉब से, अब उन्हें होता है कि यार ये पैसे पड़े हुए मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँ, तो ये पैसे वो लोग स्विंग ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं. वहाँ पे उनको टाइम नहीं देना, उन्हें बस वहाँ पे पैसा लगाने राइट एनालिसिस करना है. तो ये स्विंग ट्रेडिंग जो मैंने कोर्स किया है उसमें मैंने आपको ये बताया कि आप कैसे समझो आप जॉब कर रहे हो, आप 9 to 5 काम है, यू सॉ दिस चार्ट, आपने वो स्ट्रैटेजी अप्लाई की, आपने पोजिशन बनाया, आपने दिमाग में स्टॉप लॉस रखा कि हाँ मुझे ये नंबर आता है ट्रेड कट करना है, ये नंबर आता है मुझे प्रॉफिट बुक करना है. अब अपने काम पे लग गए, 3-4 घंटे में एक बार खोल लिया क्या पोजिशन है, टाइम है चलो अच्छा प्रॉफिट में चल रहा है. फिर अगले दिन एक बार देख लिया हाँ क्या पोजिशन है, चलो प्रॉफिट में चल रहा है, हाँ चलो टारगेट हिट हो गया क्लोज इट. तो ऐसे आपको वहाँ पे टाइम देने की जरूरत नहीं है एंड इट्स अ ग्रेट साइड हसल फॉर एवरीवन हु इज लुकिंग टू मेक मनी इन मार्केट बट दे डोंट हैव टाइम और दे हैव देयर प्रायोरिटीज डिफरेंट प्रायोरिटीज. ओके एंड जो लोग मार्केट में ही करियर बनाना चाहते हैं तो वो बाकी कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं जो एकदम ही डेडिकेटेडली मार्केट्स के लिए बने. या तो टेक्निकल सीख लिया, ऑप्शंस सीख लिया, मतलब इनिशियली तो मैं लर्निंग की तरफ ज़्यादा फोकस करने को कहता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक देखा है कि बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि ऑप्शंस वर्क कैसे करते हैं बट स्टिल वो लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग है मेरे लिए. सो अगेन एज आई सेड स्ट्रीट स्मार्ट बनना ज़रूरी है. लोग काफ़ी यूफोरिया में रहते हैं, काफ़ी भ्रम में रहते हैं और बिना देखो अभी ऐसे ही नॉर्मल आप 0-0 ट्रेड ले लिए, 10-20-30,000 लॉस कर दिए, कोई कुछ लगेगा नहीं. कोई कोर्स 1,000 रुपये का ले लिया, अरे 1,000 रुपये का कोर्स है कौन खरीदे. अभी रेस्टोरेंट चले गए 5,000 का बिल बन गया, मूवी चले गए 2,000 की, अभी तो टिकट भी 500 की टिकट हो गए, 2-3,000 ऐसे ही जा रहे हैं. वहाँ पे एंटरटेनमेंट और ऐसे फालतू खर्चे में लोग पैसे वेस्ट कर देते. बट यार अगर आप कोई कोर्स लेते हो 1,000, 500, 10,000 कुछ भी अमाउंट हो, जस्ट थिंक ऑफ इट, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है. एक ऐसा पॉइंट उसमें मे बी आपको चलो सब पता है लेकिन एक ऐसा पॉइंट आपको मिल सकता है या हाईलाइट हो सकता है जिससे वो बोलते ना मिसिंग पार्ट ऑफ द पजल आपका फिट हो जाए. सो पता नहीं कोर्सेज को बहुत निगेटिव लिया जा रहा है आजकल बिकॉज दे थिंक कि इस कोर्सेज से मे बी उन दूसरे पर्सन का फायदा हो रहा है जिससे हम बाय करें, बट दे डोंट थिंक यार आपका ज़्यादा फायदा हो रहा है, वो आपके लिए बना है, आपको सीखने के लिए बना है. एल्स यू हैव ऑल द फ्री लर्निंग सोर्सेज बट देन यू नो एक चीज मैंने ऑब्जर्व की, जो चीज फ्री में मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती. एग्जैक्टली ये तो मेरा ही बात मानना है बट काफी मजा आया इस पॉडकास्ट में एंड एक्चुअली मैं बोलूं मेरे को लगता है कि ट्रेडिंग से ज्यादा लाइफ की लर्निंग्स काफी ज्यादा थी इस पॉडकास्ट में. बट वो लाइफ की लर्निंग्स अगर आप मार्केट में ले आओ तो आई गेस सक्सेस इज समथिंग विच इज गारंटीड, मतलब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन वो मिलेगा, वो परसिस्टेंस से तो मिलेगा. सो यू नो इट्स लाइक ट्रेडिंग के बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है. हर पर्सन ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा है, हर यूट्यूब पे हर वीडियो ट्रेडिंग के बारे में बन रहा है. मैं घंटों घंटों लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म पे, एवरीडे लर्निंग वीडियो, लर्निंग शॉर्ट्स, लर्निंग रील आ रही है. बट दिस इज समथिंग द साइकोलॉजी, जो लोग बार बार बोलते हैं कि यार मेरी साइकोलॉजी खराब है, माइंड सेट डिस्ट्रैक्टेड है, तो ये सेशंस ऐसे जरूरी है, इससे पॉडकास्ट जरूरी है टू यू नो गेट योर प्रायोरिटीज राइट, टू नो कि राइट और रॉन्ग में क्या डिफरेंस है. बाकी मार्केट को टाइम नहीं लगेगा, बस ये एफर्ट्स आप मार्केट में डाल दो, यू विल गेट द रिजल्ट्स. बिकॉज अगर आपका ब्रेन ठीक नहीं है तो आप मार्केट में हजारों स्ट्रेटेजी सीख के भी कुछ फायदा नहीं है. सो आई थिंक ऐसे सेशंस होने चाहिए, साइकोलॉजी सेशंस होने चाहिए. लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, पैसे देते हैं अपनी सिर्फ साइकोलॉजी ठीक करने के लिए. बट मे बी इस पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी ठीक हुई होगी. सो मुझे भी मजा आया काफी ये पॉडकास्ट करके, काफी कैंडिड था.
एंड मैं आई डोंट थिंक मैं इतना कभी खुला हुआ होगा, इतना मैंने ओपनली बात किया होगा, बट यू नो वो ऑडियंस चाहती भी है कि थोड़ा ओपन अप रहे या दूसरी साइड देखे. तो आई होप आपको पसंद आया. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. एंड गाइज मेक श्योर करना कि आप मेरा स्विंग ट्रेडिंग कोर्स अपसर्च पे देखना, आपको काफी पसंद आएगा. थैंक यू.